ऑन अ लाइटर मोड आई वुड से मैडम की गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। जोरदार कोर्स है क्योंकि मोदी जी ने बोला है मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल, आप सब लोग मजे में हो यही आशा करती हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ आपकी होस्ट सीए रुचा सारडा टू अनाउंस द बिगेस्ट सीए लॉन्च ऑफ द ईयर, अन अकेडमी सीए 360। अन अकेडमी सीए 360 ये वादा है हर उस सीए स्टूडेंट से जो मन में जज्बा रखता है सीए बनने का और उसे हकीकत में बदलने का हौसला रखता है। अन अकेडमी सी ए 360 ये वादा है हर उस स्टूडेंट से जो आगे चलकर ये ना बोल सके कि उसे हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री में नहीं मिली। अन अकेडमी है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और इस बार अन अकेडमी एक ऐसा रिवोल्यूशन लेकर आ रहा है जो आपकी सीए की जर्नी आसान बना देगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा के रहेगा। अन अकेडमी सीए 360 का ये वादा है कि आपके सपनों को ये उड़ान देगा, क्योंकि बच्चों सीए बनना आपका सपना है लेकिन सीए आपको बनाना ये हमारा जुनून है। आई एम योर होस्ट सीए रुचा सारडा। आई रन अ यूट्यूब चैनल। आई हैव पर्सनली मेंटोर्ड 10,000 प्लस सीए स्टूडेंट्स। आई हैव रिटन 2 नॉवेल्स, ऑडिट ऑफ अ सीए, अ डे इन लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट्स। बोथ दीज बुक्स आर बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon। सो गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि अन अकेडमी 360 के सहारे आप कैसे सीए जैसे दो प्रेस्टीजियस लेटर्स अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। And the long wait is over. Let's start with a mega surprise event. Are you ready, guys? इससे मुझे याद आती है कुछ लाइनें जो मैंने लिखी है आपके लिए। पहले भी वक्त बदला था, आज भी बदलेंगे। आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलेंगे। आज मैं यहाँ पर हूँ, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ के हमारे साथ अपने सपनों को साकार करेंगे। हालातों की खातिर हालातों से लड़ना सिखाएं। ये मोबाइल इंटरनेट के जमाने में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। डिजिटल दौर है, जो हमने सीखा है उससे आपकी तकदीर बदल रही है। हमारे इस शिक्षा के मिशन को घर घर पहुंचाकर देश की तस्वीर बदल रही है। तो बच्चों, मैं खुद एक सीए हूँ एंड मैं बखूबी जानती हूँ कि सीए इज अ लॉन्ग जर्नी टू सक्सेस। लेकिन ये जर्नी में हमारे अन अकेडमी के एजुकेटर्स आपके साथ ट्रैवल करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएंगे। बिलीव मी गाइज, अन अकेडमी के एजुकेटर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको आपकी सीए की जर्नी आसान कर सकें, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकें और अपने एक्सपर्टीज से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करके सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना सकें। हमारे अन अकेडमी के सीए की टीम अपने सालों की एक्सपर्टीज से आपके लिए एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस क्यूरेट करने जा रही है जिससे आपको आपके सीए की जर्नी में कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन अब अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जहाँ पे राइट फ्रॉम सिलेबस कंप्लीशन टू लास्ट मिनट रिविजन सब कुछ कवर होने वाला है। जानना चाहते हो ऐसा कौन सा धमाका करने जा रही है अन अकेडमी? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली ये इंतजार खत्म करते हैं, इट्स द टाइम फॉर द ग्रैंड रिवील। अन अकेडमी इज लॉन्चिंग 2 न्यू यूट्यूब चैनल्स। यस, यू हर्ड मी राइट, 2 न्यू यूट्यूब चैनल्स, 1 फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड 1 फॉर सीए फाउंडेशन। अन अकेडमी सीए 360 इंटरमीडिएट एंड अन अकेडमी सीए 360 फाउंडेशन।
जहाँ पे आप इंडिया के टॉप से टॉप एजुकेटर से पढ़ के सी एच जैसे दो प्रेस्टीजियस इनिशियल्स आपके नाम के आगे लगा पाएंगे। आपकी सी ए की जर्नी आसान हो जाएगी और आप आपकी मंजिल के तरफ कदम उठा सकते हैं आप इन एजुकेटर्स के भरोसे। तो बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि क्या क्या होने वाला है इन दो नए यूट्यूब चैनल्स पे। स्टे ट्यून्ड। An Academy. Let's crack it. Dear learners, are you excited to meet your CA educators who are going to guide you step by step for the CA examinations? So, chalo milte hai apne CA educators se. So, ladies and gentlemen, boys and girls, it gives me an immense honor to invite on stage CA Nakul Kateria, sir. He specializes in accountancy at CA Foundation and CA Intermediate level. He has 7+ years of teaching experience and has taught 10K+ students. He is a renowned faculty of IP University. He has mentored AIR 1, AIR 4, 36 and 45 in CA examinations. It's a pleasure having you here, sir. Any words from your side? Thank you, ma'am. So, bacho, main CA Nakul Kateria. आप लोगों को पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। मेरे पढ़ाने की खास बात यह है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रैक्टिकल भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। अगर मैं आपको अकाउंटिंग में बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूं तो बैलेंस शीट केवल आपकी बुक्स में नहीं होगी, वो बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर एक प्रैक्टिकल बैलेंस शीट भी होगी, किसी बिजनेस एंटिटी की बैलेंस शीट होगी। अगर मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा तो मैं एडजस्टमेंट का मतलब और वहां पर उसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस आपको दिखाऊंगा। हम एक एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड करेंगे, तब जाके हमारा ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के साथ में प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल के साथ में क्वेश्चंस, इस तरीके से मैं आपको काम कराने वाला हूं। सो अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 1। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज सीए अंकित ओबेरॉय सर। He specializes in law subject at CA Foundation and CA Intermediate level. He has taught 60K+ students face-to-face and 1.5 lakh students online. He has 10+ years of teaching experience. He has authored more than 25 academic and professional books. He has taught 50+ All India rankers, an author, a corporate speaker, and a renowned faculty of law and audit all across India. We welcome you, sir. Any word from your side? तो बच्चों मैं आपको business laws का subject पढ़ाऊंगा CA Foundation के अंदर, और इस subject को हम बहुत comprehensively deal करेंगे with all the provisions, all the cases, all the landmark judgments. तो इस subject को हम आगे लेकर चलेंगे जब, तो राइटिंग स्किल्स पे मेरा खासा फोकस रहेगा, क्योंकि बच्चे को पता तो होता है यार कंसेप्ट क्या है, प्रोविजंस क्या है, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं नोटबुक में, प्रेजेंट नहीं करोगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ लॉ यहाँ पे होने से नहीं चलेगा, आपको वो कॉपी में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जब हम राइटिंग स्किल्स पे बात करेंगे तो हम पास्चर की भी बात करेंगे, RTP, MTP सब पे बात करने वाले हैं। तो बच्चों आप मेरे साथ जुड़े बिजनेस लॉस के इस पेपर में, और बहुत तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के साथ along with the RTPs, MTPs, writing skills, cases, judgments, सब कुछ कवर करेंगे। thank you so thank much, you, sir. It was a pleasure having you. Thank you. Nextly, let us call upon stage CACS Shantam Gupta, sir. He specializes in law subject at CA Foundation level. He is a chartered accountant, company secretary, CFA and ACCA. Sir ne kareeb kareeb 10,000+ bachchon ko padhaya hai. He had 7+ years of teaching experience. He is a mentor to AIR 1 of June 21 CMA Intermediate Examination student. He is well known for his interactive and interesting way of teaching students. Sir, I welcome you. Any words from your side? Thank you so much, ma'am. Itna achha introduction dene ke liye. बच्चों इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाता हूँ लॉ। ये जो हमारा 360 डिग्री का चैनल है जिसपे हम लोग अन अकेडमी पर आ रहे हैं आपको लॉ पढ़ाने के लिए। हमारा जो सब्जेक्ट है लॉ एक सब्जेक्टिव पेपर है ऐसा लोग समझते हैं,
बट सब्जेक्टिव को प्रैक्टिकल करना ही हमारी स्पेशलिटी है। मैं प्रिफर करता हूँ चीज़ों को इस तरह पढ़ाने की कि अगर एक 12 साल का बच्चा भी मेरा पेपर देख रहा है ना, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने सिंपल होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, चाहे वो घर पर बैठ के मैगी बनाना हो, चाहे वो नोटबुक को कलरफुल पेन से करना हो। लॉ हर जगह है, बस देखने का नज़रिया चाहिए उस हिसाब से। तो आप ज़रूर आएँ इस चैनल पर हमारे साथ, देखें कि मैं लॉ को आपको नए तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ। जैसे मैम ने भी इंट्रोडक्शन में बोला इंटरैक्टिव, तो वो तो हमारे सारे सेशंस रहते हैं, सब लाइव चैट, सारे कमेंट्स सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। सो आई एम वेटिंग टू सी सम न्यू फेसेस राइट वर्किंग अलोंग साइड विद मी। थैंक यू सो मच सर। आई एम प्रीटी श्योर हमारे लर्नर्स आपके इंटरैक्टिव वे ऑफ टीचिंग से बहुत बेनिफिट करेंगे। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। नेक्स्टली आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज सीए रचना खरे मैम। She specializes in BCR subject at CA Foundation level. She is one of the 50 most successful women entrepreneurs of India in 2020. She has 20 plus years of teaching experience. She is a fellow member of ICAI. She has been a ranker at all levels of CA examinations. She is a soft skills trainer in communication and she is a professional coach as well. Past work experience with MNCs including big four firms as well. I welcome you ma'am. Any words from your side? Thank you so much Richa, and it's a pleasure being here. My dear students, one thing that I want to tell all of you is that BCR, business correspondence and reporting, this is not limited to being a subject. This is my vision for all of you, for all CA students, other categories as well. So I'm immensely grateful to An Academy as platform that it gave me a beautiful platform, beautiful place to share this knowledge. और आप सब तक ये पहुँचाने का, ये subject पहुँचाने का मुझे जरिया मिला। भाई profession में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, आप किसी भी profession में आप अच्छा करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। One thing which is most important is your communication and correspondence skills. So इसी base को हम मजबूती देंगे आपके CA foundation level पर, और foundation level पर ना केवल हम 40 marks पर focus करेंगे, जो कि एक game changer हो सकता है आपके पूरी एकेडमिक जर्नी के लिए जो स्टार्ट होती है फाउंडेशन लेवल पर। 40 मार्क्स पेपर टू को तो स्ट्रेंथन करेगा ही, ओवरऑल एग्रीगेट पर भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि इंटर फाइनल में पूरा कम्युनिकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस आपका ऑडिट का, लॉ का और हर सब्जेक्टिव पेपर का बेस बनेगा। तो बेटा यहाँ से ही हमको अपनी जर्नी शुरू करनी है। हर सेशन में आपके लिए होगी ढेर सारी लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हम जो है इसकी शुरुआत करेंगे और एंड तक जाएंगे। PYQs और सारे MTPs, RTPs हमेशा से ही हमारे हर सेशन का पार्ट रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी विल बिगिन योर CA फाउंडेशन जर्नी विद BCR सब्जेक्ट। आई विल बी अलोंग एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन। दैट्स ग्रेट, दैट्स सुपर्ब मैम। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। Thank you. Nextly, let me call upon stage Professor Jatin Demla sir. He specializes in math, statistics and LR subject at CA foundation level. सर ने करीब करीब 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और 10 प्लस AIRs प्रोड्यूस किए हैं। सर के पास 6 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। ही इज़ एसोसिएटेड विद द रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ पुणे। ही इज़ वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर मैथ सब्जेक्ट। सर इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। एनी वर्ड फ्रॉम योर साइड? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अ लवली यू नो लाइक इंट्रोडक्शन, मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी इवन। देखो यार, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो 20,000 बच्चे हैं ये सब तो मतलब मैं कह सकता हूं एक तरीके से पेड हो गए। उसके अलावा जो YouTube के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है वो तो एक अनकही दास्ता है। पर देखो मैं मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हवा है, एक फियर बनता है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कहने में थोड़ी सी अजीब, सुनने में भी अजीब लग सकती है, लेकिन फैक्ट है। वो ये है कि मेरा भी ना शुरू से मैथ से कोई प्यार नहीं रहा। तो 10th क्लास में मेरे बहुत कम मार्क्स है, 12th में बहुत कम मार्क्स है, तो मुझे भी ना मैथ्स बहुत बोरिंग लगता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि यार पढ़ तो रहे लेकिन क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लॉजिक्स हैं। ये सब मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है। देन यू नो आफ्टर अ वाइल मेरे पास एक फोन आता है, मतलब मेरे कुछ मित्र थे, ठीक है। सो मुझे कॉल आया कि यार क्या तू मुझे मैथ्स पढ़ाएगा। सो देन मैंने मैथ्स पढ़ाना चालू किया। देन आई कम टू नो कि यार इतना बुरा सब्जेक्ट तो नहीं, मतलब वो है ना सिर्फ एक नाम बदनाम हो गया है तुम्हारा, बाकी तुम हो तो शरीफी। तो मैथ्स जो है वो सब्जेक्ट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, आप उसको समझते नहीं हो, आप उसके लॉजिक्स क्रिएट नहीं करते हो अलॉन्ग विद इट। देखो लॉजिक्स क्रिएट करना भी जरूरी है।
मैम बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, हमारे सीए में तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो वहां भी बात खत्म हो जाती है, तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इजी है। दूसरी बात, हमारा मैथ्स नहीं है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। कहने का मतलब क्या है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर आपको बिजनेस से रिलेटेड चीजें बताएंगे कि भैया 2 लाख से कितने करोड़ रुपए कैसे बनेगा, कितने साल में लगेगा, सारे लॉजिक्स यहां पे बनते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्री और ये सब यहां पे है ही नहीं, मतलब मैथ्स का भी इजी वाला पार्ट हो गया। दूसरा अपना हो गया स्टैटिस्टिक्स, आप अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बच्चा जो 11th 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ता है वो आपको यहां पे पढ़ना है। सो द पॉइंट बीइंग सीरियस कि जो कोर्स है वो इजी है, बिजनेस मैथ्स स्टेट्स एलआरजी है जो भी हो, बहुत ही मजा आने वाला है। और अपन जिस ट्रिक्स के साथ अपन करने वाले हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस आपने शायद देखी भी होगी, नहीं देखी तो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ट्रिक्स के साथ अपन सेकंड्स में क्वेश्चंस खत्म करेंगे एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, एंड आपके साथ तो ये सब्जेक्ट आसान होने ही वाला है, आई एम श्योर अबाउट दिस। थैंक यू सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। Nextly, let me call upon stage CA Aditya Sharma sir. He specializes in economics and BCK subject at CA foundation level. Sir, एक chartered accountant है. He has qualified in the year 2016. Sir के पास करीब करीब 5+ years of teaching experience है. Sir ने 30,000+ students को at CA foundation and intermediate level पे पढ़ाया है. He has taught AIR 1, 4, 36 and 45. He also has a work experience of 4 years in KPMG. So we welcome you here sir. Any words from your side? Thank you so much ma'am. मैम बेसिकली ना ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आई क्लियर्ड 2010 में मैंने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया और उसके बाद मैं IIT की प्रिपरेशन के लिए चला गया और फिर वहाँ से जर्नी ने टर्न लिया। उसके बाद मुझे किसी ने गाइड किया कि भैया तू कंपनी सेक्रेटरी कर, कंपनी सेक्रेटरी की क्लास में गया तो वहाँ पे किसी ने गाइड किया तू CA कर ले। मैंने CA किया, उसके बाद मेरे मार्क्स अच्छे आए, फिर मैंने KPMG में 3 साल आर्टिकलशिप करी, उसके बाद मैंने खुद का एक रेस्टोरेंट डाला, फिर मैं एक बुक का ऑथर बना और फिर मैं फाइनली टीचिंग में आया और ये सारी चीज़ें 4 से 5 साल के अंदर हुए। तो इतनी सारी चीज़ें हुई और यही सारा एक्सपीरियंस मैं अपनी क्लासेस में लेकर आता हूँ और अपनी क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा लाइवली और प्रैक्टिकल बनाता हूँ। अभी मैं अनअकैडमी पे प्लस और स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, लेकिन अब यही सारी चीज़ें और यही सारा मसाला, इंटरेस्टिंग कंटेंट और रियल लाइफ के साथ कनेक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ हमारे नए ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल CA फाउंडेशन 360 पे, जहाँ पर आपको करवाएंगे बहुत सारा कवरेज और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। बहुत सारी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट में आने वाली है, वो धीरे धीरे हम इस चैनल पर ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर कि आपके इतने वर्सेटाइल एक्सपीरियंसेस हमारे लर्नर्स को जरूर काम आने वाले हैं। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्टली, इट्स माई ऑनर टू इन्वाइट ऑन स्टेज प्रोफेसर JS बत्रा सर। ही स्पेशलाइजेस इन इकोनॉमिक्स एंड BCK सब्जेक्ट एट CA फाउंडेशन लेवल एंड EISSM एट CA इंटरमीडिएट लेवल। He has 33+ years of teaching experience and 66 CA examination attempts. He has taught 2 lakh+ students at foundation, inter and final level. He has produced more than 200 All India ranks, out of which more than 75 ranks are rank 1, 2 and 3. He has mastered BSc Electronics, MSc Physics, Masters of Computer Application and with a gold medal and gate qualified. He is an author of BCK Made Easy and many more books. Sir, that's a lot, whole of achievements. We welcome you. Any words from your side? Thank you, Rucha, for your kind words. Ye subjects jo hain, मैंने इसीलिए चूज किए थे बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद रियल लाइफ और टीचिंग इज माय पैशन। अपार्ट फ्रॉम माय अदर बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मैं टीचिंग को इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें हम लोग कई लोगों की जिंदगी को संवार सकते हैं। अगर डॉक्टर एक जिंदगी को बचाता है तो हम कई सारी जिंदगियों को संवार सकते हैं। तो मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए लंबे समय तक आज तक काम कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। फाउंडेशन के लेवल पर जहां तक बात करें हम पेपर इकोनॉमिक्स और BCK की, इसको चुनने के पीछे भी मेरा रीजन यही था, ये बिजनेस से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो आप बच्चों को वो इनसाइट नॉलेज दे सकते हैं जिसकी उसको जरूरत होती है। बच्चा जब उस स्टैंडर्ड एज से 11th 12th के बाद आया करता है तो उसे इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में इन सब्जेक्ट्स की बड़ी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो आगे चल के एक ऑडिटर बनता है, आगे चल के वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनता है या फिर उसे
कई जगह और भी एज ए एंटरप्रेन्योर अपने लिए कुछ तलाशना होता है, वो सीएफओ बन सकता है। इसलिए बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम इस चैनल पर केवल ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको जिंदगी से जुड़ी हुई वो सारी बातें सिखाने जा रहे हैं जिसकी आपको आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही एप्टली सब्जेक्ट है और मैं इसके लिए इंस्टीट्यूट को हमेशा ही धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर बहुत सारी ऐसी नई चीजें सब्जेक्ट में भी इंट्रोड्यूस करती रहती हैं, सब्जेक्ट्स के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करती रहती हैं। हमारी लर्नड फैकल्टीज जो इनको बनाया करती हैं इंस्टीट्यूट के लेवल पे, उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स बनाई हैं और मेरा बच्चों को कहना है कि आप हमेशा ही इन आईसीएआई के बुक्स को फॉलो करें और उसके साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच सर। आई एम प्रिटी श्योर हमारे लर्नर्स आपके इनसाइट्स इस चैनल पे बहुत बेनिफिट करेंगे बच्चों को। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू हियर सर, थैंक यू। तो बच्चों, सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 और जून 23 की तैयारी अब हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अन अकेडमी आपके लिए एक ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस क्यूरेट करने जा रहा है जहाँ पे आपको हर चीज जो आपको आपके एग्जाम्स क्लियर करवाएगी और आपको मदद करेगी हर स्टेप पे। जैसे अन अकेडमी सीए 360 फाउंडेशन चैनल हमने लॉन्च किया है, यहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे विच इज गोइंग टू टेक यू अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल्स। तो सबसे पहली सीरीज जो हम यहां पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, दैट इज अर्ली बर्ड प्रिपरेशन, जहां पे हम लोग स्ट्रैटेजी सेशंस, कोर्स इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस, सब चीजें कवर करेंगे। जैसे जून 23 स्टूडेंट्स के लिए हम ये सेशंस जैन 23 से बिगिन करने वाले हैं। तो जो सेकेंड सीरीज हम इस चैनल पे लाने वाले हैं, दैट इज आखिरी दाव सीरीज, जिसे नाम में ही लिखा है, दिस इज गोइंग टू कवर लास्ट लेग प्रिपरेशन। दिस इज गोइंग टू बिगिन 30 डेज बिफोर योर एग्जाम साइकिल। जैसे कि फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी चैनल पे ये सीरीज बिगिन कर दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। जो तीसरी सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज कैप्सूल रिविजन, क्योंकि हम बहुत पढ़ाई करते हैं एंड लास्ट डे बिफोर एग्जाम्स में हम ये पूरी पढ़ाई को कोलेट नहीं कर पाते, तो ये सीरीज में हम लास्ट डे रिविजन और लास्ट डे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर द सेम। अगली सीरीज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज पेपर डीकोड सीरीज। जैसे कि आप सबको पता है सीए एग्जाम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बट नॉट डिफिकल्ट इफ यू डीकोड द राइट स्ट्रैटेजी। तो इस सीरीज में हम डीकोड करने वाले हैं ऑल द आईसीएआई पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, बेसिकली पेपर एनालिसिस करेंगे सो दैट यू फेस द एग्जाम्स एंड एग्जामिनेशन कंडीशंस राइट बिफोर द एग्जामिनेशंस बिगिन। सो अगली सीरीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज अजब सवाल के गजब जवाब। जैसे हम यहाँ पे डेली क्वेश्चनर डिस्कस करेंगे ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चनर्स। अगली सीरीज सबसे इंटरेस्टिंग सीरीज है, दैट इज रैंकर्स पॉडकास्ट। जैसे हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे स्टूडेंट ने रैंक अचीव किया, व्हाट डिड ही एक्चुअली डू टू अचीव दिस फीट। सो इस सीरीज में हम एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द टॉपर्स, स्ट्रेट फ्रॉम द रैंकर्स, उनकी लर्निंग्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके टाइम टेबल्स, उनके शेड्यूल, सब कुछ इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड द लास्ट सीरीज वी आर ब्रिंगिंग हियर इज अनसुनी कहानियां। जैसे आप सबको पता है कि सीए जर्नी इज फिल्ड अप विथ लोड्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत रोलर कोस्टर राइड है ये। सो हियर वी आर गोइंग टू टेक यू थ्रू द जर्नीज ऑफ मेनी सीए प्रोफेशनल्स, ताकि उनकी जर्नी से आप भी सीखो और मोटिवेटेड रहो। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, और यहां पर मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक ऐसा टॉक शो जो कि बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है सभी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार क्विकली अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, माई सेल्फ हार्दिक मिश्रा, करेंटली आई एम इन सीए फाइनल, और मैं यहां पर बहुत सारे बच्चों को भाई मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन और स्टडीज से रिलेटेड टिप्स देने का काम करता हूं एज अ बिग ब्रदर यू कैन से। तो आप लोगों के लिए ना एक टॉक शो की सीरीज लेके आ रहा हूं जिसका नाम है आखिरी पड़ाव। अब ये आखिरी पड़ाव जो हम लोगों का 6 एपिसोड में होने वाला है टॉक शो, वहां पर फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में कि कैसे यार एक प्योर सक्सेस स्ट्रैटेजी हम लोग बनाए जिससे हमारा सीए फाउंडेशन ना एक अंडर में क्लियर हो जाए। इसके अलावा अपकमिंग 4 एपिसोड जो होंगे वो कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप लोगों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, जहां पर आपके ना जो टॉप फैकल्टीज हैं इंडिया के फाउंडेशन सब्जेक्ट के, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, वो आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे हर सब्जेक्ट के लिए कि कैसे यार एग्जाम की प्रिपरेशन करें, रिवीजन कैसी होनी चाहिए, और अब तो कुछ दिन बचे एग्जाम में, कैसे इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली
एबीसी एनालिसिस, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद जो सिक्स एपिसोड होगा वो होगा जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है ना भैया, डीमोटिवेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तब फिर क्या करें, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मोटिवेशन से रिलेटेड वो सेशन होगा। और वहां पर हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं बात कर रहे होंगे, हम अदर प्रॉब्लम्स भी होती है ना हमारी लाइफ में यार, कभी कभी दिल टूट जाता है या फिर कभी कभी यार घर में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा होता है ड्यूरिंग स्टडीज। और क्योंकि पढ़ाई अपने आप में इतनी बड़ी, इतनी वास्ट और इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाते, बट उनको ये बात नहीं पता कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं, हम और बाकी सारे बच्चे जो इस फेज से निकल चुके हैं, जो इस फेज में हैं और जो इस फेज में अभी अभी एंटर हुए, सभी फेस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे। तो उसको कैसे मैनेज करें, इंडिया के टॉप मेंटर्स आपको इस बारे में बात कर रहे होंगे और मैं आपका होस्ट होने वाला हूं थ्रू आउट द ऑल द एपिसोड्स। तो आपको क्या करना है, जस्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं जरूर बताना। मिलते हैं एपिसोड्स में, बाय बाय। हाँ जी बच्चों, तो हो गई सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर, अब बारी है सीए इंटरमीडिएट की। तो दोस्तों, पिछले कई सालों में अनअकैडमी ने कई सारे रैंकर्स और डिस्टिंक्शंस प्रोड्यूस किए हैं और अब बारी आपकी है टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स विद अनअकैडमी सीए 360 चैनल, ऐसा चैनल जो आपसे वादा करता है आपके सपने को हकीकत में बदलने का। बस आपको ज़रूरत है कुछ गाइडेंस की, कुछ डायरेक्शन की और सही कॉन्टेंट की। Academy. Let's crack it. Dear learners, are you excited to meet your CA intermediate educators who are going to guide you step by step for the CA intermediate examinations? So chalo milte hai apne CA inter ke educators se. So let me introduce you to our tax educators, Arvind Tully sir and Jaspreet Singh sir. Welcome sir. Thank you, ma'am. So Arvind sir has 22 years of teaching tax experience and Jaspreet sir has 21 years of teaching experience. Both of them collectively have taught over 2 lakh plus CA students. Both of them have produced 200 plus AIRs, including rank 1s and highest in tax subject respectively. So sir, how do you plan on taking this channel ahead? See, we've been blessed to have been a part of the teaching fraternity for the last combined 43 years. And kai students hamari journey ka hissa hue hain, kaiyo ke hum hisse hue hain. And tax is a difficult subject. Yes, sir. And definitely. But there is an easy way to crack it. I think it's a discipline. Concept then, clarity. Past year questions. RTPs, MTPs, MCQs. MCQs with case studies, sir. And revision. Revision. And detailed revision before examination, detailed solution to the PYQs, MTPs. This is one formula for the success. And through this channel, we have an opportunity. See, Unacademy's USP is ki there are more than one educator who have different ways of teaching, all combined here to ensure aap logon ko achhi tarah samajh mein aa jaye. There is no rocket science. You just have to be disciplined, hardworking. And on this channel, we will be getting concept videos and like sir said, MCQs, RTPs. And वो कहते हैं सर एक से भले दो दो let's crack it. Now let me introduce you to our costing and FM eco faculties. Sunil Keswani sir, Aditya Sharma sir, welcome sir. Thank you sir. Both of them collectively have over 17 plus years of experience and they have collectively taught over 50,000 plus CA students. So, sir, how do you perceive this channel? Ma'am, this channel is a 360 degree channel. So, I say, yahan par hum aapke saath na pura in subjects ka 360 degree view denge. In subjects ke andar jo main point aata hai, wo aata hai concept clarity. So, we will be taking sessions where we will be discussing all the practical life-saving examples jo humari real life se bilkul routine mein jude hue hain. And then you will be attached aur yaad rakhega. इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लें प्लस आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें, दैट्स ऑल। और ये सब हम आपके साथ इसी चैनल पर करवाने वाले हैं, इंक्लूडिंग द मैराथन्स, रिविजन्स, लास्ट डे, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। आदित्य सर आप भी? यस, तो देखिए मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि भैया हमारे कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीए की स्ट्रेंथ होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। इसी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने के लिए
हम इस सब्जेक्ट को बनाएंगे और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें लेकर आएंगे हम आपके लिए, जैसे सर ने बताया आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे सर मटेरियल कॉस्टिंग में आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, बस उसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली, पूरा 360 कवरेज देंगे, चैनल का नाम भी है 360, तो भैया यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेगी हमारी तरफ से। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर अकाउंट्स एंड एडवांस्ड अकाउंट्स फैकल्टीज, नकुल कटेरिया सर, राहुल मलकान सर, वेलकम सर। Both of them collectively have 25 plus years of teaching experience and they have collectively taught over 1 lakh plus CA students. So sir, how is this channel different from what you have already been teaching? Yes, Nakul. Okay, so bachon, ye jo channel hai na, this is 360. The 360 means all round development. Agar yahan aapko concepts milenge, to saath mein aapko practical exposure bhi milega, केस स्टडीज भी मिलेंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, और केवल अकेडमिक नहीं, नॉन अकेडमिक कि अभी वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है, अकाउंटिंग इसमें क्या हेल्प कर सकती है, आपको सारी चीजें इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। राहुल सर, हाँ वंडरफुल, मतलब आई गेव द चांस टू नकुल सर बिकॉज पहली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ही सेड 360 डिग्री, मतलब पूरा सर्कल बन जाएगा। सो गाइस पूरा सर्कल, यस कंटेंट मिलेगा, पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे, MTPs मिलेगा, RTPs मिलेगा, नॉन एकेडमिक कंटेंट, यू नो कॉन्फिडेंस लेक्चर्स, मॉरल बूस्टिंग, यू नो एवरीथिंग, आप इनफैक्ट बोल देना हम दे देंगे आपको, ठीक है ना, दैट्स व्हाट द प्लान इज, डिमांड के साथ, पूरा डिमांड, डिमांड के साथ देंगे, जी बिल्कुल डिमांड के साथ, ऑन डिमांड। टू कंक्लूड, यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, सो लेट्स क्रैक इट। Now let me introduce you to our audit and law faculties, Amit Popli sir, Ankit Oberoi sir, welcome sir. Thank you, madam. So both of them collectively have over 25 plus years of teaching experience. They have taught 2 lakh plus CA students and they have produced many 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 all India rankers. So sir, kya karne wale ho aap is channel pe? इस चैनल पे अगर हम बात करें तो चाहे लॉ की चाहे ऑडिट की, ये दोनों ही अपने अपने ग्रुप के अंदर बच्चों के प्रति बच्चों का एक खौफ है, तो हम इस खौफ को मिटाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, हम इसमें प्रेजेंटेशन स्किल पर, जो कि सबसे ज़्यादा दुखती रग होती है बच्चों की कि प्रेजेंट कैसे करना है, चाहे वो लॉ हो या ऑडिट हो, कि प्रेजेंट कैसे करना है, तो प्रेजेंटेशन पे हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे। और दूसरा, ये सब्जेक्ट रट्टेबाजी नहीं है कि नहीं चार्ट पढ़े और चले जाए, तो इसलिए हम एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी प्रोविजन का, चाहे वो लॉ के अंदर हो चाहे वो एसए के अंदर हो, हम ये चीजें भी खास आपको सिखाएंगे। अंकित सर, बिल्कुल सर, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से सर ने एंड किया है कि कई बार लोग कहते हैं लॉ ऑडिट थ्योरेटिकल पेपर है, मैं बोलूंगा थ्योरेटिकल नहीं रहेगा, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। अगर हम कंसेप्ट पे फोकस करें रादर देन क्रैमिंग, तो इंस्टीट्यूट के अगर आप पिछले 6-8 के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, तो जिन्होंने शॉर्टकट अप्रोच को फॉलो किया है या जो याद करके गए हैं, वो कहीं ना कहीं फेलियर उनको मिला है। तो हम इसे कंसेप्चुअली चलें, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ें कवर करें विद ऑल द प्रोविजंस, ऑल द केस लॉस, और साथ में आरटीपीज, एमटीपीज, और जैसा कि सर ने बताया राइटिंग स्किल्स को हम एम्फेसाइज करेंगे। साथ में एक बात और है कि रिविजन्स जो होते हैं, हम इस चैनल पे रेगुलर रिविजन्स लेंगे एज रिचुअल्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितने टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने बैचेस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में, उसको हम साथ के साथ रिविजन्स के साथ भी चलाते हुए चलेंगे। तो हमारे साथ इस चैनल में जरूर कनेक्टेड रहें। रीजंस बीइंग क्या है कि जैसे आरटीपी एमटीपी है, इट इज़ ओवर हाइप्ड, हम कहते हैं आप हमारे साथ जुड़े आरटीपी एमटीपी, चाहे लॉ की हो चाहे ऑडिट की, तो इससे क्या होता है हम बहुत कम टाइम पे सारा सीवी आपका जितना भी पढ़ाया गया है वो सारा का सारा समअप कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इसीलिए देखें यहाँ पे सिर्फ लॉ ऑडिट नहीं, साथ में सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, सारे के सारे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स विद ऑल द प्रिपरेशंस, विद ऑल द रिविजन्स, विद ऑल द मैराथॉन्स, विद ऑल द डिस्कशंस। इसीलिए हम इस चैनल को बोलते हैं CA Intermediate 360 चैनल। हाँ जी, तो लास्ट में हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, लेट्स क्रैक इट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर EISSM फैकल्टी, JS बत्रा सर, वेलकम सर। थैंक यू रुचा। सर हैज ओवर 33 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ही हैज टॉट 2 लाख प्लस CA स्टूडेंट्स एंड ही हैज प्रोड्यूस्ड 200 प्लस ऑल इंडिया रैंक्स। सो सर, आप EISSM जैसे सब्जेक्ट को इस चैनल पर कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हो? मैं पहले तो बता दूं आपको, EISSM सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
बच्चे उसको थ्योरेटिकल मानते हैं, शायद उसी तरीके से पढ़ते आए हैं, लेकिन बीइंग ए प्रैक्टिसिंग ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैं इस सब्जेक्ट को रियल लाइफ से जोड़ के बात करता हूँ. जैसे चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक आया करता है हाउ यू डू द ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन. तो मेरी कंपनी के खुद के ईआरपी सॉफ्टवेयर चला करते हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं फेज 1 में हम कैसे काम करते हैं, फेज 2 में कैसे काम करते हैं, फेज 3 में कैसे काम करते हैं. मेरे एग्जांपल्स हमेशा रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, तो बच्चा को रिलेट कर देता है सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे है. जैसे एक सब्जेक्ट अकाउंट्स, तो उसमें अपन बकायदे बैलेंस शीट बनाया करते हैं, बच्चों को वाउचिंग करके दिखाया करते हैं, वैसे ही हमारे सब्जेक्ट में हर स्टेप जो बच्चे को सिखाया जा रहा है थ्योरेटिकली, उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया करते हैं. जैसे आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑटोमेट कैसे करेंगे, या आप अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाया करती है. तो सब्जेक्ट जो बच्चा समझ के करता है उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चे इसको मगअप कर लेते हैं, वो रटाफिकेशन पे चला जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, फिर शायद आप कई बार भी नहीं निकाल पाते. तो एक ही तरीका है, एक तो आईसीआई के मॉड्यूल को आप पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी के बीच में से आया करते हैं. नंबर 2, इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, कीवर्ड्स आपको रिमेंबर होने चाहिए, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है. जहां तक इस चैनल की बात है, इस चैनल पर हम लोग पूरा कंटेंट बच्चों को देने वाले हैं, वो भी फ्री. ये बच्चे सुन लें, पूरा कंटेंट आपके पास आएगा फ्री. इसके अलावा कोर्स करवाने के बाद हम आपको एमटीपी आरटीपी सीरीज देंगे, रिवीजन के फास्ट ट्रैक बैचेस आएंगे आपके पास में, लास्ट मिनट रिवीजन्स आएंगे, एमसीक्यू सीरीज आएगी, और न जाने बहुत कुछ चीज़ें हम लेके आ रहे हैं. तो इसलिए हम कहेंगे जुड़े रहें आप इस चैनल के साथ में, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाला है रिलेटेड टू सी इंटरमीडिएट एवरीथिंग. ESSM सब्जेक्ट भी उसमें एक पार्ट है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने जा रही है. एंड लास्टली लेट्स क्रैक इट. Let's crack it. Okay, so what a great feeling to have such experienced CA faculties with us today. आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना बोलना चाहूंगी, ऐसे लग रहा है कि the brightest stars have come together and have made an constellation here. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ये जानते हैं कि कैसे ये टॉप एजुकेटर्स क्या कंटेंट दे के आपकी CA की तैयारी मजबूत करने वाले हैं. Let's check it out. तो सबसे पहली सीरीज जो यहाँ पे हम बिगिन करेंगे, that is early bird prep. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी सेशंस, सब्जेक्ट वाइज अप्रोचेस, कोर्स इंट्रोडक्शन. बहुत यूजफुल सीरीज रहेगी ये. ये हम बिगिन करेंगे 9 months बिफोर योर एग्जाम बिगिंस. बेसिकली वी वुड बिगिन दिस सीरीज आफ्टर योर CA फाउंडेशन एग्जाम्स इटसेल्फ. तो सेकेंड सीरीज जो हम लेकर आ रहे हैं इधर, दैट इज आखिरी दाव एंड बुलेट रिविजन. जैसे ही हमने CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन में किया, वैसे ही हम CA इंटर में भी ये सीरीज लॉन्च कर रहे हैं. आखिरी दाव में हम जस्ट आपके एग्जाम्स के 30 डेज पहले सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स और सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने वाले हैं. एंड बुलेट रिवीजन तो बच्चों आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, बिकॉज 1 day बिफोर एग्जामिनेशन सबसे क्रूशियल टाइम होता है. तो बुलेट रिवीजन में हम 1 day बिफोर एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे. तो बच्चों तीसरी सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दैट इज अजब सवाल के गजब जवाब. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जो आपकी CA इंटरमीडिएट की तैयारी मजबूत कर देंगे, विच इज गोइंग टू कवर अ डेली क्वेश्चनेयर ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. तो बच्चों जो फोर्थ सीरीज अपन लेकर आ रहे हैं, दैट इज पेपर डीकोड सीरीज. जैसे ही आपने CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन क्लियर किया, आपने समझ लिया होगा CA एग्जाम्स को क्रैक करने का बस एक ही तरीका है, जस्ट गो फॉर द राइट स्ट्रैटेजी. एंड द मोस्ट राइट स्ट्रैटेजी इज टू फेस द एग्जामिनेशन कंडीशंस बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन बिगिंस. तो इस सीरीज में हम डीकोड करने वाले हैं ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, ऑल द ICI MTPs. बेसिकली एक ऐसा पेपर एनालिसिस करेंगे जो आपको एग्जाम रेडी बना देगा. तो जो 6th सीरीज हम लेकर आ रहे हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, दैट इज रैंकर्स राउंड टेबल. यू नो आपने सुना होगा विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. एंड हम CA स्टूडेंट्स को हमेशा ये मन में सवाल होता है कि रैंकर्स ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि वो ये फीट अचीव करते हैं. तो इस सीरीज में हम उनकी लर्निंग्स, रैंकर्स का शेड्यूल, रैंकर्स का मेथोडोलॉजी, रैंकर्स का सब्जेक्ट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ इस सीरीज में डिस्कस होने वाला है.
तो जो सेवेंथ एंड आखिरी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं दैट इज आर्ट ऑफ आर्टिकल शिप. अब सबको पता है आर्टिकल शिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन अ सीए स्टूडेंट्स करियर एंड ये गेम चेंजर होता है. जिस फॉर्म में भी आप आर्टिकल शिप करते हो, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलता है आर्टिकल शिप के दौरान, वो बहुत क्रूशियल होता है. तो इस सीरीज में हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेटरी वीडियोज रहेंगे राइट फ्रॉम द सीए आर्टिकल्स. ऑल्सो हम सीए फर्म्स को बुलाएंगे टू डिस्क्राइब their work profiles and job description as well. I would now like you to walk you through our brand new upcoming show Vijaypath. Jaise the name itself suggests, this show is going to take you closer to your victory. So this show Vijaypath is going to consist of 6 episodes. One is going to be a dedicated episode on the overall strategy to study for CA examinations. Also, it is going to have 8 subject-wise episodes जहाँ पे India के top educators आपको subject-wise guidelines देंगे कि कैसे आपको particular subjects prepare करने हैं. And the last session is going to be about how to stay focused, how to stay motivated and कैसे stress manage करना है during studying for CA examination. So stay tuned. Thank you, educators, for sharing your insights and learnings. I'm pretty sure all our students would have benefited out of it, and it would certainly help them in their preparations. Moving on to our next section, that is panel discussion. Ye discussions mein hum aise insights, aise learnings aapko batayenge from India's टॉप एजुकेटर्स. अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल सेट्स के हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा यहाँ पे. द टॉपिक ऑफ फर्स्ट पैनल डिस्कशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इट्स सीए मेंट ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि क्या सीए सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स कर सकते हैं. आपके सब क्वेश्चंस आज आंसर होने वाले हैं एंड the panelists we have for this topic today are Jatin sir, Batra sir, Shantam sir and Rachna ma'am. So give it up for the panelists. Hello Bachcha Party, welcome to the panel discussion. और आज के panel में मेरे साथ ऐसी faculties बैठे हैं, ऐसे educators बैठे हैं जो आपको scratch से guide करने वाले. Scratch मतलब भैया, अगर आप 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हो ना, और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो सीए करने वाला हूँ आगे चल के, बहुत जोरदार कोर्स है क्योंकि मोदी जी ने बोला है मेरे सिग्नेचर से ज़्यादा वैल्यू है, तो ऐसा कोर्स तो करना ही पड़ेगा. तो इस कोर्स के वेरी बिगनिंग से, लाइक आप एकदम अभी नर्सरी क्लास में हो, तो वहाँ पर आपको जैसी गाइडेंस की जरूरत होती वैसी गाइडेंस के लिए आज मेरे साथ पैनल में कौन कौन है? प्रोफेसर जतिन देमला सर, प्रोफेसर जे एस बत्रा सर, सीए रचना खरे श्रीवास्तव मैम और शांतम गुप्ता सर. जैसा कि वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता, आप सभी एजुकेटर्स को जानते होंगे, बट अगर आप अभी 11, 12 से आए हो तो आपको इंट्रोड्यूस कराना तो बनता है बॉस. तो अब हमारी डिस्कशन जो है आज का पार्ट आपकी एज अ जर्नी की स्टार्टिंग का ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं जतिन सर से पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन जो कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है यहां पर, कि अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूं, अब मैं 12th का स्टूडेंट हूं ना सर, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूं, आई एम फ्रॉम एनी स्ट्रीम राइट, और अब मुझे सीए की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है, तो आप बताओ स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करूं, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू सीए to all the students of class 12th. थैंक यू सो मच सर. और मैं सबसे पहले तो बच्चों को कहना चाहूंगा, देखो डिसीजन तो आप लोगों ने सही ले लिया है. जैसे सर ने खुद ने भी कहा कि यार मोदी जी ने भी कहा था कि मेरे सिग्नेचर से ज्यादा वैल्यू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है. तो यार देखो, पहली बात तो सही है, तो कांग्रेचुलेशन, आप जिंदगी में एक सही स्टेप ले चुके हो. अब दूसरी बात, शुरू कैसे किया जाए और कौन सी स्ट्रीम से, मान लो साइंस है कॉमर्स है, देखो हर बच्चा यहाँ पे आ सकता है, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है. कुछ मिथ जरूर चलते कि साइंस वाला नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है. आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप बिल्कुल आ सकते हो, आपका बहुत बहुत स्वागत भी मैं कह सकता हूँ आपका है हमारी तरफ से. Along with it, अब कैसे किया जाए? देखो पहले रूल अलग था. अगर मैं आपके करंट रूल की बात करूं, सीए फाउंडेशन की बात करूं, तो आप 11, 12th, मतलब 12th के साथ, मोर स्पेसिफिकली आप 12th के साथ फाउंडेशन दे सकते हो. मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, मार्च 23 में जो है आपकी एग्जाम है 12th की, ओके. नाउ अब आप क्या कर सकते हो, 30th दिसंबर तक अपना सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर दो. 31 दिसंबर तक आपने सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया, अब आप मई में ही अपनी एग्जाम दे दोगे. पॉइंट बीइंग हियर इज कि जैसे ही आप मार्च में दोगे अपनी, फरवरी मार्च रिस्पेक्टिव टू द बोर्ड्स,
आपने दी आपकी 12th की एग्जाम, जस्ट 2 महीने बाद आप दे सकते हो अपनी फाउंडेशन की एग्जाम। अब बच्चा ये बात बोलता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, देखो उस पर अपन बाद में आते हैं, वो अभी का मुद्दा नहीं है। सो सबसे पहले बात क्या हो गई, एक एडवांटेज, सबसे अच्छी बात यह है कि आप 12th के साथ ही अपना जो है करियर फाउंडेशन का सिलेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। अगेन मैं कहूंगा कोई रिलेवेंसी नहीं है उसको लेकर इतना ज्यादा, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप अपने पार्ट को चालू करोगे। नाउ द पॉइंट बीइंग सेड की क्या 11th 12th से ही हमें तैयारी शुरू करनी आती है, क्या करना रहता है? देखो आपका पहला फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका भर गया, आप एग्जाम दे रहे हो May 23 में। सो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों ने यू नो पहले ही प्लान कर लिया होगा कि यार भैया जिंदगी में क्या करना है, CA करना है, ये उनकी प्लानिंग है। अब बहुत सारे ऐसे भी हम स्टूडेंट्स को जानते हैं ऑब्वियस ही बात है, जिनका क्या होता है 12th के बाद डिसीजन नहीं होता। मतलब मैं अगर मेरी बात भी करूँ, मैं जितने लोगों को जानता हूं, जो एक एवरेज बच्चा होता है वो पहले 12th पास करता है, अगर 12th में पास हो जाता है ठीक ठाक मार्क्स के साथ भी, तो फिर जाके वो सोचता है कि चलो ठीक है भैया अपने काम करते हैं, अब CA करते हैं। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहो, अगर आपने 12th के साथ फाउंडेशन नहीं भी दी तो आप क्या कर सकते हो, आप नवंबर में दे सकते हो। पॉइंट बीइंग सेयर यहाँ पे देखो 6 महीने सोचने में लगता है कि यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया ये सब चीजें, क्या होता है हो सकता है आप शांति से करो, और शांति से करना कोई गलत नहीं होता। मतलब देखो जिंदगी कोई रेस नहीं है, आपके पास समझनी पड़ेगी कि 6 महीने या ये सब जो बहुत सारे स्टेटमेंट चलते हैं ये सब जरूरी नहीं है, अगर आपने कोई चीज स्लोली भी करी तो गलत नहीं मानी जाएगी। एंड पॉइंट बीइंग सेयर कि आप कर रहे हो ना, सो यू आर पुटिंग योर एफर्ट टू दैट। यहां पर एकदम सिंपल सी बात है, पहली चीज आप 12th के साथ भी दे सकते हो या फिर आप 12th के एग्जाम के बाद भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास प्योरली अवेलेबल है। सो अगर बात की जाए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो टोटल लगे 4 सब्जेक्ट्स है। पहला हो गया आपका अकाउंटेंसी, ऑब्वियसली बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तो अकाउंटेंसी तो होगा ही उसके अंदर। सेकंड हो गया आपका लॉ एंड BCR। थर्ड हो गया आपका मैथ स्टेट्स एंड LR विच इज नोन एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और जो आपका लास्ट हो गया आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज विच इज ऑल्सो नोन एज इको एंड BCK। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, चारों सब्जेक्ट्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, ऑब्वियसली बात है उस तरीके से पढ़ना पड़ता है। कुछ बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो रट्टाफिकेशन में जाते हैं, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सो बेसिकली हो सकता है आप साइंस तो देखो यार अकाउंट्स में आपको डरने वाली बात नहीं है। सेकंड तो यार देखो लॉ एंड BCR यू आर गोइंग टू बी यू नो लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए लॉ एक बहुत बड़ा स्किल होता है, लॉ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसका मैं शानसर भी आपको हो सकता है कुछ बताएं आपके बारे में। एंड कम्युनिकेशन, देखो जिंदगी में आई मीन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कैसा भी करो, आपको कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए। अगर आपको किसी को बात करने नहीं आया, देखो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है दो तीन, एक तो लुक्स मैटर नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या देखते हो लुक्स, सेकंड आप उसका कम्युनिकेशन ही तो देखते हो। सो अगर सामने वाला कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता है तो योर थिंग इज देयर। नाउ थर्ड थिंग इज मेरा फेवरेट ऑब्वियस बात है जो मैं पढ़ाता हूं, मैथ स्टेट्स एंड LR। बच्चों को बताने को डर लगता है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक हवा है, हवा को इतना बड़ा मत बनाओ कि यार वो पोकट में और बढ़ता जाए, तो वो एकदम सिंपली हो जाएगा। उसमें हमें सबसे अच्छी बात कैलकुलेटर अलाउड है, मतलब क्या दिमाग लगाना यार, लगाओ कैलकुलेटर, करो क्वेश्चन लाओ, आंसर लाओ, बात खत्म, यही तो मजा है जिंदगी का। लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैटिस्टिक्स सही, ये सब बहुत ही इजी है, इसे बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना माना जाए। इकोनॉमिक्स जो आपके खून में भी बसेगा और जो आपके जो है वो जिंदगी के हर लम्हे में जाएगा, मतलब मेरे ऐसा मानना है कि आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स आपके साथ रहेगा ही। एंड बिजनेस की और समझ के लिए और जोड़ा गया है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी CA फाउंडेशन। आप अगर सोच रहे हो तो मैंने जैसे पहले भी कहा, मैं वापस से कहूंगा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, यू हैड टेकन अ गुड पाथ। अब सही, देखो सही राह तो चुन ली है, बस उस पर चलना आपको पड़ेगा। कुछ कठिनाइयां आएंगी, कुछ रुकावटें भी आएंगी, मगर देखो यार अगर आपने आगाज किया है ना तो अंजाम भी आपको ही लाना होगा। यस सर, तो जैसा कि आप लोगों को बच्चों जतिन सर ने बताया है बहुत डिटेल में, और इससे मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ, तुम लोग सब्जेक्ट जान के तो समझ ही गए होगे कि CA कोर्स कितना डाइवर्सिफाइड है और तुमको हर तरीके से जज करने वाला है ये। तो ऐसा मत सोचना कि जैसे हम लोग 11th में कॉमर्स ले लिया, अब सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है, मैथ्स ले लिया तो सिर्फ मैथ्स, ऐसा नहीं है। CA कोर्स तुमको हर तरीके से टेस्ट करने वाला है। अब ये टेस्ट की बात तो हो गई, अब मेरे को डर लग रहा है क्योंकि CA कोर्स मेरे को हर तरीके से टेस्ट करने वाला है, तो मैं शांतम सर से, नहीं शांतम सर नहीं, ये मेरे भैया है अभी के लिए 5 मिनट के लिए, तो भैया आपका छोटा भाई आपसे पूछने वाला है, भैया मैं कोचिंग लूँ क्या CA के लिए, क्योंकि आप तो CA CS दोनों, सच्ची सच्ची बताओगे ना, प्रॉमिस करो, एकदम है ना, बीइंग नो बायसनेस सर मेरे को सच्ची सच्ची बताएंगे कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। एक चीज़ और कंसिडर कर लेना, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट से और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तब भी क्या मुझे मैथ्स के लिए मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रिप्लाई आप मुझे बताइए। मैं अपने आंसर में बहुत ऑनेस्ट रहूँगा, मैं आपको एक आंसर को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक मैं नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को डील करता हूँ और एक जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। अब जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके पास एक एडवांटेज है ओवर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कि उन्होंने अकाउंटेंसी का पेपर, इको का पेपर पहले देखा हुआ है। लॉजिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल नॉट चेंज,
सिमिलरली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट चेंज, दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम, चाहे आप उसको 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हो, चाहे आप उसको सीए में पढ़ रहे हो. तो वो चीज़ें आपको एक एज देती हैं. अब बात रही कि क्या आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर आप एक कॉमर्स फील्ड से हो. अब ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप पहले कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए और ग्रूम किए 11 और 12 में. इफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर बेस इज रियली स्ट्रॉन्ग, लेट मी टेल यू दिस दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनी कोचिंग एट दैट लेवल. बट फिर होता है जजिंग की बात. अब सबको पता है दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बट फिर जब यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, तो नेगेटिव क्यों है ये समझ में नहीं आता. तो कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, यस, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की क्लैरिटी नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? यू कैन गो फॉर एन एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा दैट वेदर यू हैव इट इन यू और नॉट. अगर नहीं है तो आपके बहुत बेहतरीन मेंटर्स अवेलेबल हैं, आप उनके पास जा सकते हो, दे विल हेल्प यू आउट. सम ऑफ अस आर सिटिंग हियर राइट Here with us, Jatin sir, Batra sir, Rachna ma'am, Hardik sir. Or if you think and if you get a result that you're good on your own, then आप continue कर सकते हो. अब मेरा discussion आता है उन लोगों पर जो non-commerce backgrounds हैं. अब जो science वाले हैं, जो humanities वाले हैं, इन्होंने accountancy का paper पहले कभी देखा नहीं. So they will be sketching from the beginning. तो A for apple, तो A for accountancy. वो वैसे level से वो शुरू कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको mentorship और grooming की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक step गलत लेते हो, सीधे after November there is again May. And after May there is again a November. तो ये avoid करने के लिए अगर आप science के background से आते हो या humanities के background से आते हो, I would suggest कि आप एक अच्छा mentor खोजो जो इस चीज़ को भी समझ सके कि हाँ ये एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कुछ भी अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है. बिकॉज हर एक टीचर जीरो से स्टार्ट करे ये ज़रूरी नहीं. तो आपको तो स्पेशली एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो जीरो से स्टार्ट कर सके. तो अगर मैं अपनी बात को समअप करूँ तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बोलूँगा, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट टेस्ट करो. टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट विद द इंस्टीट्यूट. इफ यू थिंक दैट इट इज़ गुड इनफ यू कैन गो फॉर अ सेल्फ स्टडी. बट इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड देन तो मेंटोरशिप इज अ मस्ट अंटिल अनलेस यू आर द एक्सेप्शनल 1% ऑफ द पॉपुलेशन. दैट इज ऑल आई हैव टू से. यस भैया, मैं समझ गया आपकी बात. और एक बात मैं और समझा आपकी बात बताने के तरीके से कि आप ऐसा शायद बोलना चाह रहे थे कि मान लो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं हूँ, ठीक है, और 11, 12 में तूने हार्दिक इको भी तो पढ़ा हुआ है ना, पर तू इतना समझ जा कि 11, 12 का इको ना 11, 12 वाला ही था. जब अपन ICI की बात करते हैं तो ICI ना हम लोगों को भाई बहुत मतलब परेशान करने में बहुत आगे रहती है. तो ICI के जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग का तरीका होता है सेम क्वेश्चन विद अ मच मोर डिफिकल्टी लेवल दे कैन फ्रेज फॉर यू राइट. तो यहाँ पर ना ICI क्या करेगी, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए. बट आपको ऐसा लगेगा डिमांड ये तो मैं पढ़ा हुआ, सप्लाई ये तो मैं पढ़ा हुआ, नहीं नहीं मेरे को नीचे कोचिंग राइट. बट जब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगी तुमको लगेगा ये डिमांड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कैसे, ये मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है राइट. और मेरे को भी फील हुआ था फाउंडेशन के टाइम पे, तो एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ. तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है. बाकी भाई यू नो योर सेल्फ बेटर देन अस, तो आप खुद ही अब एनालाइज कर लो कि कोचिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, अब देखो अब सर ने बता दिया कि एंट्री कैसे लेना है, सर ने ये बता दिया जर्नी कैसी होगी, अब एग्जिट भी तो लेना है ना फाउंडेशन से. तो जब एग्जिट मैप की बात करते हैं तो मैं ना 30 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ मेरे साथ में ना भत्रा सर बैठे हुए हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, ठीक है, और मेरी सारी चीज़ें डन हो गई, बट अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो रिविजन स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए मेरी, मैं कैसे पूरा सिलेबस, बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, तो सिलेबस को समअप कैसे करूँ, कितने बार रिवाइज करूँ जिससे कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए. तो सर थैंक यू हार्दिक, जैसा कि आपने कहा ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्री लेवल है और इसमें जो पेपर्स हैं जैसे जतिन सर ने बताया अकाउंटेंसी है, इसमें लॉ BCR है, इसमें मैथ्स स्टैट्स और LR है और हमारा सब्जेक्ट मैं जिसको पढ़ाया करता हूँ ECO BCK का है. ये चारों सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़े हुए हैं. पहली बात तो ये समझ लें ये रट्टाफिकेशन के सब्जेक्ट नहीं है. अकाउंटेंसी आपके ब्लड में होनी चाहिए क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं और अकाउंटेंसी को प्रैक्टिकल तरीके से ही सीखा जा सकता है. जहां तक लॉ BCR की बात है ये दोनों भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्योंकि लॉ आपको मालूम है जुडिशरी में काम आता है जिसपे हमारे सारे जो है केसेस और उनका फैसला भी हुआ करता है. और कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको पता है अगर आप में कमी पाई जाती है तो आप एक अच्छे ऑरेटर
यार आप एक अच्छे स्किल वाले नहीं माने जाते, और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा पर्सनल मानना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस जिंदगी में पाया है, अगर आप जिंदगी में अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बात को किसी को नहीं समझा सकते तो फिर आप अपनी बात को मनवा भी नहीं सकते, तो मनवाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सीखना है, मैथमेटिक्स का काम आपको आता है, तो जिंदगी में ये जोड़ बाकी गुणा भाग आपको बहुत आगे ले जाया करता है, क्योंकि बिजनेस चलता ही जोड़ बाकी गुणा भाग से है। दुनिया में हर चीज कहीं कही जाती है कि जोड़ बाकी गुणा भाग से ही बना करती है। और फिर चौथा सब्जेक्ट जो आया करता है वो है आपका इको और बीसी के। इको आपकी इकोनॉमी को चलाया करता है, देश चलाया करता है, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उतना नॉलेज दिया करता है कि वो एक अच्छा ऑडिटर साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहे या CFO बनना चाहे किसी कंपनी का, तो उसमें भी उसकी मदद कर सकता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ हार्दिक, अगर मैं कहूँ आप बच्चों को सिलेबस ICAI के मॉड्यूल से करना चाहिए, क्योंकि ICAI के मॉड्यूल्स बहुत ही अच्छे बनाए गए। मैंने ICAI को अपने सामने बदलते हुए देखा है। मैंने जब शुरू किया था ये बड़े स्टेपल मॉड्यूल्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल बढ़िया कलर्ड नोट्स के फॉर्म में दिया जाता है, PDFs अवेलेबल हैं। तो आप ICAI के मॉड्यूल को फॉलो करें, कोर्स कवरेज उसमें पूरी दे रखी है। और मेरा ऐसा कहना है, पहली बार आप पूरे सिलेबस को अपने अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स के साथ फॉलो करें, दूसरी बार उन्हीं रेस्पेक्टिव टीचर्स द्वारा जो डिफरेंट कोर्सेज चलाए जाते हैं जैसे फास्ट ट्रैक होता है, समरी होता है, उसके साथ करें, और तीसरा वो फिर से आपके लिए कहीं ना कहीं मैराथन्स लाते हैं। ये तीन बार सिलेबस आपको जरूर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है और मैंने देखा भी है। अगर तीन बार आप खुद नहीं करते तो ICAI कम से कम तीन बार आपको एग्जाम ही करवा दिया करती है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है, आप ICAI के इस कोर्स को अपने टीचर्स अपने मेंटर्स का कम से कम तीन बार रिवाइज करिए। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, और अपने सब्जेक्ट और टॉपिक में कंसेप्ट के साथ उसे समझना। रट के इस सब्जेक्ट को या किसी सब्जेक्ट को कभी भी पास नहीं किया जा सकता है। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिला करती है जिनके एम हाई हुआ करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको कहूंगा, आप कम से कम तीन बार रिवाइज करके ही जाइएगा, आपकी सफलता गारंटीड है। जी सर, जैसा कि आपने बोला कि रिवीजन होना चाहिए तुम लोग का तीन टाइम्स, और वैसे मैं एक बात बता देता हूँ तुम लोग को, ICAI की मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन के साथ फ्री में मिलती है, ठीक है? तो तुम लोग को अगर पता नहीं होगा तो ये मत सोचना ICAI की मॉड्यूल, ICAI मतलब हमारा इंस्टीट्यूट, राइट? अब देखो, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर है, एंट्री कैसे लेना है, जर्नी कैसे होगी, जर्नी के एंड पॉइंट पे कौन से वेपन्स अपने रेडी रखने हैं, अब एट लास्ट एग्जाम हॉल। और एग्जाम हॉल में जब तुम बैठ गए हो तो दो घंटा या तीन घंटा एज द केस में भी जो भी तुम्हारे पास टाइम है उसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करें। और एट लास्ट मेरे को सबको, किसी को भी कोई भी एग्जाम दे रहा है, एक अटेम्प्ट में तो क्लियर करना ही है, तो ऐसा क्या सक्सेस मंत्रा है जो हम लोग CA एग्जाम्स के लिए टू बी मोर स्पेसिफिक फॉलो कर सकते हैं, वो हमें रचना मैम यहाँ पर बताएंगी। Thank you, Hardik, and hi everyone. And this is a beautiful question that I can instantly relate with. Success mantra. This is the most sought after thing. कोई भी बच्चे सब कुछ पढ़ ले, लेकिन वो चाहते हैं भाई लास्ट में हमको एक सक्सेस मंत्रा तो मिलना चाहिए। ये हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि हमारे एडुकेटर्स हमें सब कुछ दे पढ़ाए, लेकिन सक्सेस का एक मंत्र जरूर बताएं। बेटा एक ही मंत्र है, मैं कई बच्चों को बताया करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से बताती आई हूँ, और शायद मैंने खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। जो बैकग्राउंड जानते हैं वो ये बात भी जानते हैं मेरे बारे में कि भाई मेरे रिजल्ट्स जो हैं, आई वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई वाज अ मैथ्स इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट, फिर भी अच्छा सिक्योर कर पाई मैं अपने लिए, अच्छे लेवल्स रैंक सिक्योर कर पाई। तो मंत्र कहीं ना कहीं एक ही है, CPR जानते हैं अगर आप लोग, अगर आपने सुना होगा तो मेडिकल इसमें एरिया में इसको CPR को रिवाइविंग टेक्निक माना जाता है, कंप्रेशन टेक्निक होती है, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। अपना CPR एक ही चीज़ बताता है, C फॉर कंसिस्टेंसी, P फॉर प्रैक्टिस एंड R फॉर रेगुलरिटी। तो एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं हार्दिक के क्वेश्चन को, कि भाई एग्जाम के पहले जब आप कर रहे हैं अपनी तैयारी उस समय आपके CPR फॉलो करें। बेटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप, किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, CA being no exception, each level of CA exam, जो बच्चे अपना syllabus को spread करते हैं, जो consistent रहते हैं, जो regularity maintain करते हैं और जो नियमित रूप से practice करते हैं,
उनका कोई एग्जाम कभी भी मिस आउट हो ही नहीं सकता, उनको सेकंड अटेम्प्ट बैक कभी लग ही नहीं सकती। तो ये मेरा दावा है, और दावा ही नहीं है, इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा मेरे स्टूडेंट्स के साथ। तो आप सबको भी जरूर फॉलो करना चाहिए। ये तो हो गई एग्जाम के पहले की बात कि जब हमारा अभी एक मंथ बचा है, टू मंथ्स बचे हैं, तो हम इसको कैसे करें, या फिर जो इफेक्टिव पीरियड है 8-9 मंथ्स का, जिसमें हम सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटर फाइनल जो जैसे भी हम प्रिपेयर करें वो हम करें। अब आती है बात कि भाई मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब एग्जाम हॉल में जब मैं पहुंचता हूं तब मेरा जो है किस तरीके का मेरा वहां पर परफॉर्मेंस होगा, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, या उस 3 आवर्स जो होते हैं वही आपका एक्चुअली जो है असेसमेंट पीरियड होता है कि उसमें आप क्या करके आते हो। तो भाई सीधी बात है, फर्स्ट चीज, जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक जो है वो कर्ब हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज द की। एक तो पहली चीज, आप अगर एंग्शियस हैं तो जो आपको आता हुआ है वो भी आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो देयर आर 2-3 थिंग्स इन अ लर्निंग प्रोसेस एंड पैटर्न। पहली चीज होती है कि आपका लर्निंग, क्या आप याद करते हो। दूसरी चीज होती है रिटेंशन, कि आप उसको याद करके रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो और उसको रिटेन करते हो। तीसरी चीज होती है रिट्रीवल, कि एग्जाम में आप उसको रिकॉल करके लिख पाते हो तभी आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो भाई ये प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब आप उसको पूरी तरह रिकॉल कर पाए और रिट्रीव कर पाए। इसके लिए प्रैक्टिस करते चलोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे आपको एंग्जाइटी कम होगी, क्योंकि आपको डर नहीं होगा। आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि एग्जाम कैसा आएगा, टफ आएगा कि इजी आएगा। भाई एग्जाम जो है वो इंस्टीट्यूट हमेशा एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया करती है, कभी टॉपर्स के लिए नहीं बनते एग्जाम पेपर। सब फैकल्टीज बैठे, एमिनेंट फैकल्टीज हैं, सब अग्री करेंगे एग्जाम हमेशा ही इजी होता है। इजी किसके लिए होता है, जिनकी प्रिपरेशन एडिक्वेट होती है उनके लिए। सो बेसिकली एग्जाम इज नेवर टफ और इजी, आर प्रिपरेशन इज ऑलवेज एडिक्वेट और इनएडिक्वेट। तो आप अपनी प्रिपरेशन अगर एडिक्वेट रखते हैं आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्जाम में आपको कभी भी अटेम्प्ट का खतरा नहीं लगेगा। सो 3 आवर्स जो होते हैं उसमें एंग्शियस ना होकर, सबसे पहले तो क्वेश्चंस अपने पास MCQs भी हैं, मैथ्स इको बीसी के MCQ है भाई, 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं, अकाउंट्स और पेपर 2। तो जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें आपको फोकस करना चाहिए कि स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप पहले कवर करें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक ठाक रहे, वो सेफ रहे। बिकॉज 3 आवर्स की बात नहीं होती, 3 आवर्स पर परफॉर्मेंस की बात होती है। पेपर 2 इतना लेंदी पड़ता है बच्चों को कि पेपर 2 में छूटने के चांसेस हो जाते हैं, आते आते क्वेश्चन बच्चे छोड़ आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से ध्यान में रखना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट इन CA एग्जाम्स। आता तो सबको सब कुछ है, 3 घंटे में अगर आप कर पाए तो वही आपके रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज ये है बेटा, वो सब्जेक्ट जरूर देखना चाहिए आपको एग्जाम में स्पेसिफिक, या स्पेशली आपको वहां फोकस करना चाहिए जहां नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि मैथ्स। अब उसमें जब नेगेटिव मार्किंग है, आप जानते हैं अपने जितने भी व्यूअर्स ऑडियंस जो भी अपने देख रहे हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव मार्क्स में आपको थोड़ा सा फोकस रहना है कि आप गलत आंसर्स अवॉइड करें, जो आप पक्का पक्का जानते हैं कि भाई ये मेरे को आता है। टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके आप वो आंसर्स पहले मार्क करें, फिर उसके बाद आओ सेकेंड राउंड में कि भाई इसमें अब मेरे को जो थोड़ा डाउट है लेकिन थोड़ा आता है उसको मैं रिजॉल्व करूँ, और जब उसके बाद आपको आना चाहिए थर्ड राउंड में, भाई आपका जो टाइम बचा हुआ है उसको आप यूज कीजिए उन पर जिसमें आप कुछ तुक्के मारने वाले हैं या फिर आप लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप क्या कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो मिनिमाइज हो जाए। सो दिस अप्लाइज टू ऑल दी MCQ पेपर्स ऑल्सो। सो जितना आप टाइम को इफेक्टिवली यूज करेंगे, जितने पक्के आंसर्स आप पहले प्रेजेंट करेंगे, वो मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे एंड दिस विल डेफिनेटली फेच यू गुड रिजल्ट्स। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड हार्दिक, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए इसके बारे में। और मैम के पॉइंटर से ही ना मेरे को कुछ चीज़ें एकदम प्रैक्टिकली याद आई है। 12th की बात है, एक बार मैं बाहर निकला अकाउंट्स का पेपर देके, मेरा दोस्त भी बाहर निकला अकाउंट्स का पेपर देके, मैं पूछा भाई कैसा गया पेपर, तो बोलता है भाई बहुत खराब गया पेपर। मैं बोला क्यों, कितना टफ आया था यार पेपर। मैं बोला पेपर टफ था, मेरे को तो ईजी लगा पेपर। तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात होती है, आप पढ़ के नहीं गए हो पेपर टफ है भाई आपके लिए, आपको देखे नहीं हो तो टफ तो हो गई, और तुम पढ़ के गए हो तो पेपर इजी होगा। एट द सेम टाइम अगर फैकल्टीज में से एग्री करेंगे इस बात पे, ICAE क्या करती है जनरली फर्स्ट क्वेश्चन एकदम टफ दे देती है, ताकि तुम्हारा कितना भी कॉन्फिडेंस हो उसको पहले ही क्वेश्चन में गिरा देंगे।
आओ हमसे लड़ना है, पहले ही क्वेश्चन ऐसा खतरनाक देंगे कि कॉन्फिडेंस गिर जाता है, बट उसके बाद पेपर ईजी होता है, तो हमको इस चीज़ में फोकस करना होता है कि जो चीज़ें बन रही है वो हम लोग पहले वाइंड अप करें। यस, तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पिकअप किए थे, और क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टीज है सारे के सारे, आपको बताएं हमारे साथ बैठे हुए थे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, तो आपको इस वीडियो से जो भी इनपुट्स मिले होंगे आप उसको यूटिलाइज करोगे अपनी सीए की जर्नी में। एट द सेम टाइम और कोई भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सारी फैकल्टीज की इंडिविजुअल लेवल पे हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फिर भाई ये सब चीज़ आपसे मिस हो जाएगी ना, नोटिफिकेशन आएगी तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और आज का सेशन फिर मैं यहीं पर क्लोज डाउन करूंगा, और सारे फैकल्टीज को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके चीज़ें समझाने में भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि वो पूरा इतना सारा एक्सपीरियंस लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद एवरेज निकाल के आप तक डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको सब पका पकाया मिल रहा है खाना है बस, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Now that was an amazing and insightful session. Moving on to our next panel discussion, the panelists are coming up with an amazing conversation on challenges faced by CA students during their CA journey. And the panelists we have for the same are Arvind Tuli sir, Aditya Sharma sir, Amit Popli sir, and Rahul Malkan sir. Hello students, let us start the panel discussion for today. And the topic for the discussion today is one of the most esteemed topics and the most interesting topics generally discussed among CA students. In fact, it remains the talk in town amongst the CA students. And the topic is challenges faced by students during CA journey. And to discuss the same, we have with us most esteemed faculties of our country today. So to introduce them, it gives me an immense pleasure, Amit Popli sir, Aditya Sharma sir, Rahul Malkan sir, and Arvind Tuli sir. And I'm your host for today, CA Rucha Sarda. So to begin the discussion, तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे करती हूँ, जैसे एक सीए का स्टूडेंट है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है एंड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सीए, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच अ सीए स्टूडेंट फेसेस एंड हाउ शुड ही फेस दोस चैलेंजेस? द फर्स्ट थिंग दैट आई रियली फील इज द माइंडसेट। इट्स लाइक बच्चा ना अभी तक गाड़ी में घूम रहा है और अचानक से आपने उसको बोल दिया कि तुझे एवरेज जाना, तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा पहले। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ ह्यूज कोर्स। लेट मी ब्रेक इट अप, यू नो तीन लेवल में ब्रेक कर देते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अब फाउंडेशन में बच्चा जब एंटर करता है तो कहाँ से एंटर कर रहा है? ही इज एंटरिंग फ्रॉम व्हाट, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। पॉपली सर मुस्कुरा रहे, तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में पॉपली सर के पीछे ऐसे बहुत लड़कियाँ दौड़ती थी। अब जैसे ही फाउंडेशन आ गया, पॉपली सर को ये सब भूल जाना पड़ा, बिकॉज नाउ ही हैज टू फोकस ऑन स्टडीज। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है, कि फाउंडेशन पे हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। वील हैव फ्रेंड्स जो मूवी जाएंगे, वील हैव फ्रेंड्स जो पार्टीज मनाएंगे, एंड एवरी टाइम दे लास्ट क्यों आप आ रहे हो कि नहीं, तो आपको एक आंसर देना पड़ेगा, नहीं आज मेरे क्लासेस है, नहीं आज मुझे लेक्चर अटेंड करना है। ये फर्स्ट लेवल है। सेकेंड, एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाना तो नेक्स्ट लेवल दैट कम्स इज इंटर। एंड लेट मी टेल यू, इंटर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इंटर में तो मैं आपको क्या बताऊँ कि सब्जेक्ट्स ही इतने सारे आ जाते हैं एक साथ, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग तो बंदा पहली टाइम लर्न कर रहा है, और फिनेंस, और फाइनेंस में पहली टाइम आप शेयर मार्केट बोलेंगे तो इनको लगेगा भाई एक साथ करोड़पति बन जाएंगे हम लोग। सर एक्चुअली में टैक्स भी पहली बार इंटर में ही आता है, ना 11th में आता है, ना 12th में आता है, ना फाउंडेशन में। वो मैंने ना जानबूझ के टैक्स नहीं बोला है, बिकॉज़ है ना इनका टर्न आएगा तब ये बताएंगे कि इनको अकाउंट्स में कितने मार्क्स आते थे, ठीक है। मैं भी पटना आया। तो भाई देखो यहाँ पे तो इंटरनल डिस्कशन चालू हो गई कि मेरा सब्जेक्ट का है, मेरा सब्जेक्ट का है। ये आपके पास एक और चैलेंज होगा, और ये इसके बारे में तो ना आपको तुली सर भी ज्यादा बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दो, बट दैट्स द न्यू चैलेंज दैट वी विल हैव। एक बार इंटर क्लियर हो गया, यू आर रीचिंग फाइनल। एंड फाइनल तो मैं क्या कहता हूँ पता है, कि फाउंडेशन से इंटर 5 स्टेप्स जंप मारने, तो इंटर से फाइनल तक जाने के लिए 50 स्टेप का जंप आ जाएगा। इट्स ह्यूज सर। यहाँ पे आपकी कॉलेज होगी,
फिर हमारे आर्टिकलशिप होंगे, हमारे आर्टिकलशिप का बॉस होगा जो हमें 11 बजे तक नहीं छोड़ेगा, सुबह 7 बजे का क्लास होगा, एंड लाइफ इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग अपार्ट फ्रॉम गेटिंग मास्टरी इन ऑल द सब्जेक्ट्स इज स्टडी ऑफ टुडे, लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, एक चीज़, यू नो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन. तो आप अगर ये चैलेंजेस, मैं नहीं कहूँगा कि दे आर चैलेंजेस, एन्जॉय द जर्नी. मुझे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे पता ना जो फाइनल क्लियर कर लेते और फिर बोलते हैं कि हम ये जर्नी मिस कर रहे, सर वहाँ पे क्या मज़े कर रहे थे हम, यू नो आर्टिकलशिप में क्या मज़े कर रहे थे, कितना फ्री का खाना खाया एंड यू नो लॉट ऑफ स्टफ. सो देर आर चैलेंजेस, बट यू नो डायमंड ऐसे ही थोड़ी बनता है, चैलेंजेस सी तो हमें डायमंड बनाएगा ना. क्या कहते हैं मैम आप? सही लगता है ये लीजिए मैम. सर जैसे आपने सही बोला, द मेजर थिंग मुझे जो लगती है, इफ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द आउटकम देन यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस फर्स्ट. एब्सोल्युटली. एंड व्हाट सर सेड, एंजॉय द जर्नी. एग्जैक्टली, बिकॉज़ दैट्स द बेस्ट पार्ट. या एंड डिसिप्लिन, आई थिंक सीए कोर्स एक डिसिप्लिन सिखाता है. So journey is all about enjoying it, disciplining your mind, focusing on understanding that you're becoming a CA. And there are only 3.5 to 4 lakh CAs that have ever passed this course. So it's a tough course and it will require sacrifice. Absolutely. And even if the journey is difficult, I think the reward is totally, totally worth it. Totally. Absolutely. So moving on to our next question. Amit sir, ek cheez aisi hai, जैसे सबको पता है कि एक सीए का बच्चा एक चार दीवारी में ही कैद रहता है, और अगर चार दीवारी में कैद नहीं है तो आर्टिकलशिप में जा रहा है या तो फिर क्लासेस अटेंड कर रहा है. तो हाउ शुड ही मैनेज दिस बर्नआउट, कि नॉर्मल लाइफ तो नहीं जी रहे अपन, कंसिस्टेंटली वी आर इन दिस लूप ऑफ स्टडिंग या फिर आर्टिकलशिप, सो हाउ शुड ही मैनेज दिस बर्नआउट. थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ लाइटर मोड आई वुड से मैडम की गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए. अच्छा, मैं सही में इसे लाइटर मोड पे ही एक बार बोल रहा था कि गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, शायद स्टूडेंट सही में बहुत ज़्यादा सीरियसली ले गया. और एक रात को मुझे 12:30 बजे कॉल आया, कहने लगा आपने कहा था गर्लफ्रेंड बनानी है. मैं कहा हाँ. कहने लगे मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. इट वॉज शॉकिंग. मैं कहा भाई जो करनी है तू कर, बात पापा से क्यों बात करा रहा है यार, और वो भी रात को 12:30 बजे. कहने लगा नहीं सर पापा का एक सवाल है. मैंने कहा क्या? कहने लगे पापा कह रहे हैं गर्लफ्रेंड तो हम बनवा देंगे मगर खर्चा ज़्यादा होता है. मैं कहा यार ये भी ठीक है बताओ. तब से मैंने कहना ही छोड़ दिया. बट ऑन अ सीरियस नोट नाउ, हम लोग ना माइंड पे प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं कि ओह सीए कर रहे हैं, फाइनल हैं, इंटर हैं. ऐसा माइंड पे प्रेशर ज़्यादा लेना नहीं चाहिए. मुझे लगता है हर चीज़ को इतना करना चाहिए कि वो चीज़ दिल से हो, और दिल से तब होगी जब हम कम पढ़ेंगे. अब बड़ा अजीब है कि सर आप कम पढ़ने को कह रहे हो. हाँ, कम पढ़ेंगे इन द सेंस, ऐसा ही नहीं कि 1-1.5 घंटा पढ़े, नहीं. मैं कहता हूँ कि अगर आप फाइनल में भी हो और 8 से 10 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी, ये वर्ड पे बड़ा कीवर्ड है, ध्यान रखना, इसे मार्क करना. कंसिस्टेंट स्टडी अगर हम करते हैं तो विश्वास करना कि आप दोनों ग्रुप आराम से, इनफैक्ट रैंक भी आ सकता है 8 से 10 घंटे की कंसिस्टेंट स्टडी में. बट हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि जिस वजह से हमारे ऊपर सीए एक प्रेशर फील होने लग जाता है एग्जाम टाइम पे, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि हम शुरुआत में स्टडी करते नहीं, या फिर टारगेट पहले तो बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त और एग्रेसिव, ऐसे लगेगा कि 7 या 8 राउंड ऑफ रिवीजन हो जाएंगे, और एंड में आते आते तक पता लगता है कि एक बार भी निबट जाए तो भगवान मालिक है. तो यही एक सॉल्यूशन है कि आप अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाइए कि कंसिस्टेंट स्टडी रखना है. मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ये इंश्योर किया हुआ था कि फाइनल लेवल पे भी कोई भी फिल्म आनी है तो मुझे संडे को फिल्म देख के ही आनी है. हर हालत में संडे का दिन तो ऐसे रखना है अपने लिए जो आपके अपने लिए हो बस. तो स्टडी को इस तरीके से करना कि वो माइंड पे प्रेशर मत करे, इसलिए शुरुआत से ही कंसिस्टेंट स्टडी करना, और कंसिस्टेंट स्टडी चाहे एक ग्रुप हो या दोनों ग्रुप हो, इस तरीके से बांटना कि 8 या 10 घंटे के बीच का आपका आवर्स डेली बेसिस पे निकले, तो इससे बोझ नहीं पड़ेगा. थैंक यू मैम. सही बात है सर. एंड टू ऐड टू इट, आई गेस व्हेन द व्हाई पार्ट इज क्लियर द हाउ पार्ट ऑटोमेटिकली गेट्स इजी एंड वी लर्न टू बैलेंस थिंग्स वेल. एक अगला सवाल ऐसा है कि हर स्टूडेंट के ना अपने अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं,
वीकनेसेस होते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है, जो अपना वीक सब्जेक्ट है उसको ही पकड़ के बैठता है, देन डिप्रेस होता है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये सब्जेक्ट नहीं आता. तो अरविंद सर, मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ शुड अ स्टूडेंट मैनेज हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बोथ सब्जेक्ट रिलेटेड एंड हर सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिक, ये पार्ट मेरा वीक है या ये पार्ट मेरा स्ट्रेंथ है. सो हाउ कैन अ स्टूडेंट मैनेज हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? I think I love that question because ये मेरे से बहुत relevance रखता है. But I think what Popli sir, Rahul sir have just said, discipline चाहिए. And Popli sir ने बहुत अच्छी बात बोली कि sometimes we fear the outcome so much that we overtry. You have to enjoy the journey and relax. तो मैम, I joined CA after graduation. हमारे time पे graduation के बाद होता था. And मैंने non-med करी थी 11th 12th में. Therefore, debit credit मेरे को कोई समझ नहीं आया. राहुल सर कहते रहते मेरी क्लास में आ जा, मैं सिखा दूंगा. बट आई रिमेंबर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. आई स्कोर 35% इन अकाउंट्स इन बी कॉम एंड हिम्मत और सर कहते कि मैं टैक्स सब्जेक्ट एंड यू नो हिम्मत देखो आई डिसाइडेड टू डू सीए बिकॉज सीए इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट. सीए इज 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. एंड हम सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकते. मैंने ये देखा था जब मैं अपना सीए का प्रिपरेशन कर रहा था, अकाउंट्स का क्वेश्चन घर बैठ के तो होता ही नहीं था, तो पेपर में जाके कैसे होगा. बट देन माय टैक्सेशन लॉ वर वेरी स्ट्रांग. तो लोग कहते थे अपने वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दो. मैंने कहा मैं अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट पे ध्यान दूंगा. मैंने उनको इतना स्ट्रांग कर लिया कि उनमें मेरे 80s 70s आए, इवन इन ऑल द सब्जेक्ट्स. अब मेरा कॉस्टिंग और अकाउंट्स बहुत वीक था. बट आई मेड वन थिंग कि मैंने ये सोच रखा था कि मेरा कॉस्टिंग का आंसर सही नहीं आने वाला और अकाउंट्स का आंसर सही नहीं आने वाला. नाउ आई हैव टू वर्क अराउंड इट. सो व्हाट आई डिड वाज आई मे यूज टू प्रैक्टिस वर्किंग नोट्स एट होम. मैं कहता था बैलेंस शीट तो टैली होनी नहीं, 3-4 पेज वर्किंग नोट्स लिख के आएंगे, स्टेप मार्केट मिलनी है. एंड दैट इज हाउ आई गॉट अराउंड. एंड आई गॉट 57 इन अकाउंट्स इन इंटर एंड 58 इन फाइनल विदाउट गेटिंग वन आंसर राइट इन द इंटायर पेपर. एंड आई एम नॉट जोकिंग. सो सीए इज नॉट जस्ट अबाउट यू नो नोइंग एवरीथिंग और बीइंग द बेस्ट एट एवरीथिंग. It's about learning how to get around your weaknesses and master it and learn the tricks of the trade. It's a smart paper and like every competitive paper, you need to learn how to answer it competitively. मैं जस्ट ऐड करता हूँ एक चीज. आपके टाइम पे इतने नहीं आना सर अकाउंट्स नहीं, मैं कह रहा हूँ इनके टाइम पे इतने अकाउंट्स के अच्छे प्रोफेसर होंगे नहीं ना. नहीं नहीं सही बात है सर. तो जैसे आपने बोला कि आपको स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, तो वो एक कोट है ना कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्री यू शुड शार्पन योर एक्स फर्स्ट. तो जैसे आपने बोला कि अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, वैसे ही मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि शार्पन योर एक्स, शार्पन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड द वीक सब्जेक्ट्स. जैसे सर ने बोला actually with the step marking also, with the proper basic understanding of those subjects also, we can certainly make it. So the next common problem जो बहुत prevalent है अपने CA journey में, how to manage studies along with article chip. So Aditya sir, what are your views on this? ये बहुत ही ज़्यादा valid question है अगर मैं कहूँ, लेकिन इस सवाल को और थोड़ा सा twist किया जाए कि भैया article chip की journey को हमें लेना किस तरीके से चाहिए, exactly उसमें approach क्या होना चाहिए. कुछ students सोचते हैं article chip is all about learning things practically, और कुछ लोग सोचते हैं कि article chip is entirely theoretically, 3 साल का समय मिला, इसमें सिर्फ हमको final की preparation करनी है. Actually ये blend है, आपको डिग्री भी चाहिए और साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए. मेरे टाइम पे सर्विस टैक्स हुआ करता था, मैंने सर्विस टैक्स में काम किया और आज तो सर्विस टैक्स एग्जिस्ट भी नहीं करता है. बट लेटर आई रियलाइज कि आर्टिकलशिप बेसिकली हमारा एक अप्रोच डेवलप करता है कि लाइफ में हमें कैसे आगे बढ़ना है. एग्जैक्टली अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए, तो स्टूडेंट को एक मिक्सड अप्रोच रखना चाहिए. अगर मैं आर्टिकलशिप की जर्नी को 3 साल में ब्रेक करूँ, तो पहला साल तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों ने पूरा टाइम आर्टिकलशिप पर डिवोट करना चाहिए, पूरा फोकस रखना चाहिए. फर्स्ट ईयर आर्टिकल में सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर आर्टिकल में मैंने ये देखा था कि उसको पूछने में भी शर्म आती है अपने प्रिंसिपल से. एग्जैक्टली वो पूछ नहीं पाता है क्वेरीज. तो पहला साल टोटली डेडिकेट करिए लर्निंग के लिए. सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए अपनी क्लासेस, जिसके अंदर कॉस्टिंग, SFM, FR ये सब्जेक्ट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए.
इवेंचुअली सेकेंड ईयर में अपने आप वर्कलोड बढ़ जाता है आर्टिकलशिप का, लेकिन हम मैनेज करना सीखते हैं और यही हमें रियल लाइफ में हेल्प करता है कि पढ़ाई का भी प्रेशर है और काम का प्रेशर, हम ये दोनों चीज़ें सीखते हैं। तो सेकेंड ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और थर्ड ईयर में फिर आपको फोकस अपना शिफ्ट कर देना चाहिए स्टडीज़ के ऊपर मोस्टली। तो ये प्रॉपर अगर ब्लेंड चलता रहे तो ही एक अच्छा आउटकम निकलेगा, ये मेरी पर्सनल सोच है और मैंने देखा है। और आर्टिकलशिप की जर्नी के दौरान हम मतलब सोच के आते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार इन बिटवीन जर्नी के अंदर ना हम लोग कुछ ना कुछ पाथ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मैंने सोचा नहीं था सर, कभी मैंने आपकी क्लासेस देखी थी, मैं इंस्पायर्ड हुआ था उसमें। मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रिविलेज है कि मैं आप सब टीचर्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा टर्न अराउंड हुआ, फिर मेरा फोकस शिफ्ट हुआ, तो मैंने दोनों चीज़ों पर फोकस किया और अल्टीमेटली बेस्ट आउटकम निकला। मतलब गर्लफ्रेंड बना ली तूने सर से, सब सीखा है। सर बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया आपने, एंड आई थिंक टू कट इट शॉर्ट, इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द टाइम वी नीड टू मैनेज आवर फोकस, राइट? एब्सोल्युटली। सो वन लास्ट सेइंग, इट्स यू नो, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पॉपली सर भी करते थे। एक बार पॉपली सर का एक फोन आया था, बोलता है हर आधे घंटे के बाद जब एक्सरसाइज हो जाती है ना, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, पॉपली सर ऐसे बोल रहे थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बट वंस ही कम्प्लीट्स हिज एक्सरसाइज ना, देन ही कॉल्स मी अप अगेन सेइंग राहुल मजा आ गया। सो इट्स लाइक अल्टीमेट रिजल्ट विल गिव यू द ब्लेसिंग, बट जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एंड इट्स द बेस्ट डिसीजन आई टुक एज अ यंग बॉय इवन टुडे टू डू सी इट। एग्जैक्टली। सो सम फाइनल पीस, एक फाइनल कोट बता दीजिए। सी सिटिंग हियर आई थैंक दैट यंग बॉय टू हैव स्ट्रगल्ड, कॉन्कर्ड द सब्जेक्ट, conquered the course so that I can sit here and advise you. So phal meeta hai, mehnat karni padegi. ek aur last aap apna bata dijiye, wo little by little jo aap class mein. Ha, so I always believe, and this is a very important wording with me, little by little an hour goes by, little by little a day, little by little we will reach our goal and we will not let it slip away. बिकॉज हम लोग आज मैगी नूडल्स के जमाने में है कि इवन द यू नो 2 मिनट मैगी नूडल्स टेक्स 5 मिनट्स। सो डोंट बी इन हरी, एंजॉय, फोकस, डिसिप्लिन, एंड आई एम श्योर यू विल थैंक योरसेल्फ टुमारो। मैम मेरे से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैं पॉइंट नहीं ऐड कर पाया। मैं खुद IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अच्छे टीचर्स का गाइडेंस मिला, तो मैं यही कहूँगा कीप एक्सपेरिमेंटिंग, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम मिल ही जाता है। जो आप फर्स्ट थॉट देते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो आपके अल्टीमेट डेस्टिनी हो। अगेन पॉजिटिव रहना और कंसिस्टेंसी पढ़ाई में मेंटेन रखना, ये दो की आपके मंत्र रहेंगे सक्सेस के। थैंक यू मैम। एग्जैक्टली जैसे सर ने बोला, कंसिस्टेंट रहना डेली बेसिस पे, यू आर नॉट गोइंग टू फील ऑल चार्ज्ड अप, ऑल मोटिवेटेड, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर ऑफ वन लिटिल थिंग, डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन एक ही तरीके से लाया जा सकता है, स्टार्ट बींग स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, एवरी थिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। एंड आई एम प्रिटी श्योर आज सब जो आपको इंसाइट्स मिले हैं इतने बड़े फैकल्टीज से, आप वो अप्लाई करोगे, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर दिस इज अ लॉन्ग रोड टू सक्सेस, सी ए इज अ लॉन्ग जर्नी टू सक्सेस। जैसे सर ने बोला, लिटिल बाय लिटिल, इफ यू टेक इट जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम, एवरी थिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू ऑल टूडे। थैंक यू। नाउ दैट वॉज अ सेशन जिससे हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली है। ये जो जर्नी है, द क्लाइंब इज डिफिकल्ट बट द व्यू फ्रॉम द टॉप इज टोटली वर्थ इट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पैनल डिस्कशन एंड अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, करियर चॉइसेस अवेलेबल आफ्टर CA। दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक, मोस्ट आस्ट क्वेश्चन अमंग CA स्टूडेंट, कि CA बनने के बाद कौन सी ऐसी करियर चॉइसेस है जो हम परस्यू कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक के पैनलिस्ट्स हैं अंकित ओबेरॉय सर, नकुल कठेरिया सर, जसप्रीत सर एंड सुनील केसवानी सर। सो गिव इट अप फॉर द पैनलिस्ट्स। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द पैनल डिस्कशन। और आज हम लोग इस पैनल के अंदर पे, जहां पर 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतने हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ना, जो कि लाइक CA वाले बच्चे पढ़ तो लेते हैं, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, बट वॉट अबाउट नेक्स्ट, CA के बाद क्या? ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, लाइक करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, है ना, पर फिर भी एक बार आपको सबसे मिलवाना चाहूंगा। हमारे साथ है CA जसप्रीत जौहर सर, CA नकुल कठेरिया सर, CA अंकित ओबेरॉय सर, CA सुनील केशवानी सर,
और आज सारे टीचर्स यहाँ पर, सारे एजुकेटर्स जो कि आपकी फेवरेट एजुकेटर्स हैं, आप लोगों को इसी के बारे में गाइड करने वाले हैं। तो पहला और सबसे मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन ये कि मैं बीइंग आर्टिकलशिप और बाकी सब ने भी आर्टिकलशिप किया, आप जितने भी लोग देख रहे हो, हम लोग आर्टिकलशिप में प्रैक्टिसिंग करते हैं और वहां पर हम इनकम टैक्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, जीएसटी में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार सीए के बाद तो ना प्रैक्टिसिंग ही करियर है अपना, बस प्रैक्टिसिंग ही करना है, इसके बाद किसी एक स्ट्रीम को पकड़ो और प्रैक्टिस इसमें चालू कर दो। बट ऐसा नहीं है, और सीए जसप्रीत जौहर सर बीइंग सो एक्सपीरियंस, हम लोगों से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, मैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास सीए करने के बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर से पूछता हूँ कि उनका क्या कहना है इस चीज के ऊपर। नमस्ते जी एवरीबॉडी, नमस्ते आप सबको। बहुत वैलिड इनका एक क्वेश्चन है और इसमें मेरे जो इनपुट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से कि सिर्फ प्रैक्टिस आपके पास एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप जॉब कर सकते हैं और जॉब करके आप एक अपना कैपिटल अरेंज कर सकते हैं जिसको हम लोग सीड कैपिटल कहते हैं, और उसको यूज़ करके फिर आप आगे अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। आपको याद होगा, आपने बहुत बार यूज़ भी किया होगा, बोट के ईयरफोन्स आते हैं, हेडफोन्स आते हैं, तो आपने देखा होगा उनके जो ओनर हैं वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने अपना जो सीए कंप्लीट करने के बाद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसी प्रकार से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में आपने सुना होगा, मिस्टर कुमार मंगलम मेरे ख्याल से ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनडीटीवी के जो चीफ है डॉक्टर प्रणय रॉय, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या ये लोग सब प्रैक्टिस ही करें सीए क्वालिफाई करने के बाद? आंसर इज नो। तो इन्होंने अपने बिजनेस सेटअप करे हैं। सीए क्वालिफाई करने के बाद आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है लाइफ का, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब अगर आप करते हैं तो उससे आप अपना एक सीड कैपिटल, जैसे मैंने भी कहा, उसको अरेंज करके देन यू कैन प्रोसीड विद योर बिजनेसेस। स्टार्टअप्स आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल सर्विसेज की तरफ अगर आप जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे आप उसके लिए, सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो आप आईएएस आईआरएस की तरफ जा सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस आजकल अगर आप जॉब्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन, इन सब के अंदर भी आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आप जॉब्स अगर करते हैं तो इन सभी फील्ड्स के अंदर आप स्पेशलाइजेशन करके जॉब्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप सबके पास अवेलेबल है, जो कि आपको सीए की क्वालिफिकेशन के बाद आपको बहुत बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स देती है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड मेरे ख्याल से अंकित सर हैज मोर इनपुट्स फॉर दिस थिंग। ओवर टू अंकित सर। बिल्कुल सही बोला सर आपने कि आफ्टर क्वालिफिकेशन एक एजुकेशन सेक्टर में बड़ा ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है बच्चे के लिए। अगर आप सीए क्वालिफाई करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है, एक तो यू विल बी लाइक एक्टिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और देखिए मॉनेटरी जो चीज़ें हैं वो तो खैर बाय प्रोडक्ट है, वो तो टाइम के साथ आता ही है। बट मुझे याद आता है जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने फेस टू फेस था उस टाइम पे, इट्स बीन लाइक मोर देन 10 ईयर्स, तो 3-4 बच्चों से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुअली हर एग्ज़ाम के बाद, हर अटेम्प्ट के बाद बच्चे बढ़ते गए और आज इतने बच्चे हमने पढ़ाए। लेकिन अब मैं देखता हूँ सिचुएशन बहुत बदल गई है पहले से। तो पहले फेस टू फेस था, सब चीज़ें ऑफलाइन थी, तो बच्चे भी वैसे ही आते थे, लेकिन अब चीज़ें ऑनलाइन हो चली हैं। तो ऑनलाइन होने के बाद सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे नज़र आता है वो है अनअकैडमी। भाई अगर आप ऑनलाइन शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फ्रेशर सीए है, वो एजुकेशन सेक्टर में आना चाहता है, ही हैव टू परचेज द इक्विपमेंट्स, द कैमरा, टू बी वेरी प्रिसाइज, आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, और उसके बाद आप क्या कर पाओगे, आप लाइव कुछ क्लासेस ले पाओगे, कहाँ पे? यूट्यूब में। अब अल्टीमेटली लाइव क्लासेस के लिए बैरियर्स हैं, फिर आप उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस में जाएंगे, लेकिन जैसे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो अनअकैडमी के अंदर आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप एजुकेट कर सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट, और साथ में यू कैन केटर हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप पूरे इंडिया में अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों यू हैव टू ओपन योर माइंड, सिर्फ प्रैक्टिस तक ना रहें, जैसा कि सर ने कहा करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत बड़े हैं। आई नो पीपल जो प्रैक्टिस से आगे जाकर काम कर रहे हैं, और हम सब ने भी किया है,
राइट, वी ऑल आर सीएस, तो हम सब ने भी, हम सब टीचिंग में हैं, आई नो पीपल जो बिजनेस कर रहे हैं, जो और कुछ काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप खोले हैं। तो मैं, जैसे सर ने कहा कि सर ने बिजनेस के बारे में समझाया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनपुट मैं देता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में ज़बरदस्त करियर प्रोस्पेक्ट है, करियर प्रोस्पेक्ट है यू कैन से, और जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो बस थोड़ी सी रिसर्च करिए, अपना मटेरियल तैयार करिए और एजुकेशन सेक्टर में आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच जसप्रीत सर एंड अंकित सर फॉर आवर ब्रिलियंट इनपुट्स। लाइक मैं तो बोलूंगा तुम लोगों को, मेरे को ना मजा आ गया एग्जाम्पल सुन के अमन गुप्ता सर जी का, जो कि आपको पता है बोर्ड के फाउंडर है। सर उस एग्जाम्पल से प्रूफ कर दिए कि सीए लोग भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। अब इसमें बता दूं, हमारे पैनल भी हमारे साथ में सर हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे पोस्ट सीए, मतलब आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, आप कैसे अपनी चीज़ों में और एड ऑन्स कर सकते हो। ठीक है, अब एड ऑन में मैं आपको ये भी बता दूं कि सर के बारे में, सर खुद एड ऑन करके रखे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर लेक्चरर है, तो इसीलिए सर ने खुद ही देख लो भाई टीचिंग के करियर में अच्छा खासा अचीवमेंट लेके रखा हुआ है। तो सर इस चीज़ में आप अपना इनपुट दीजिए कि पोस्ट सीए हमारे पास और क्या ऑप्शंस है फॉर एड ऑन्स। तो सर पोस्ट सीए, सीए करने के बाद में आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया कि अब आप वेरी वेल क्वालिफाइड हो, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जसप्रीत सर ने जॉब प्रैक्टिस के बारे में बताया, अंकित सर ने टीचिंग के बारे में बताया, अब यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। देखो सीए से हमने सारी चीज़ों की पढ़ाई करी, नाउ इट कम टू एक्सपर्टीज। जैसे बैंक ऑडिट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको डीसा की क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही हमारा इंस्टीट्यूट बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज कराता है, जैसे कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर सर्टिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इसका सर्टिफिकेट भी होता है, डिप्लोमा भी होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स, और साथ साथ में आईसीआई नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में बाकी और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी क्वालिफाइड हो जाते हैं, जहां आपको बहुत सारी एग्जेम्पशंस मिलती हैं। जैसे ACCA, ACCA जब आप करते हैं तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो बहुत सारे पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं उसके अंदर। फिर CPA आता है, CPA एक ऐसी डिग्री है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो सर सीए करने के बाद, सीए करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन और हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्सपर्टीज कहाँ चाहिए, आप जहां पर एक्सपर्टीज लेना चाहें वो वाला आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लें, उससे आपके और मौजा ही मौजा है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बात बोली है। इतने सारे, मतलब एक मैं ये चीज़ सर का कहना है सिंपली ये कि देख लो यार सीए इंस्टीट्यूट कितना डाइवर्सिफाइड करके रखी चीज़ों को, मतलब तो अपन क्या नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ना, हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम टैक्स पढ़ रहे हैं, हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम लोग EIS भी पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज भी दे रहा है इंस्टीट्यूट, हम लोग मैथ्स भी पढ़ते हैं अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो इंस्टीट्यूट आपके सामने सारे दरवाजे खोल रहा है, अब आपको जो दरवाज़ा पसंद है उसके अंदर आप एंटर कर जाओ, और वही सारे दरवाजे अगर आपको नहीं पता है ना, आप तो फाउंडेशन वाले बच्चे हो गए, कहाँ पता होगा आपको, है ना। तो आपको सुनील सर बताएंगे ना कि कौन से दरवाजे में आप एंटर कर सकते हो। तो सुनील सर, हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब भी हम सीए कोर्स की बात करते हैं ना, तो सीए कोर्स मैं हमेशा बोलता हूं इट इज अ प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप एक सीए को क्वालिफाई करते हैं, जैसे ही आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, नाउ यू आर अबव दिस पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी है, जस्ट 3.5 लाख। तो अब आप सोचिए, यू आर एन इलाइट कैटेगरी में डाल दिया। अब इसके आगे कहां जाना है, इसके आगे कौन से पाथ में जाना है, ये आप सब पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे जसप्रीत सर ने बोला, अंकित सर ने बोला, नकुल सर ने बोला, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हाउ डू यू डिसाइड आखिरकार ये मल्टीपल ऑप्शंस कैसे होंगे। तो दोस्तों इसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे से ना अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, सर कॉस्टिंग मतलब क्या सोच के आप पढ़ाते हो, हाउ डू यू टीच कॉस्टिंग, या FM का पेपर आप कैसे पढ़ाते हो, हाउ डू यू कम इन टू दिस फील्ड। तो मैं इसमें सिर्फ एक ही आंसर देता हूं, ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट वाइल डूइंग ऑल द प्रैक्टिकल वर्क इन कॉस्टिंग पार्ट, देन पोस्ट दिस माई CA क्वालिफिकेशन आई स्टार्टेड विद माई जॉब इन ICICI बैंक, देयर वहां पर मुझे सारा FM का एक्सपीरियंस मिला सारा का सारा। तो दोनों जब ये कॉम्बिनेशन बने, और उसके बाद एक साल बाद जैसा कि सबने बोला मल्टीपल ऑप्शंस, और मैंने क्या बोला इट्स अ प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर पहले मैं जॉब की तरफ गया, मन नहीं माना,
नहीं माना, दिल तो बच्चा है जी, नहीं माना। तो हमने फिर वहाँ से हटकर अपने टीचिंग पर शिफ्ट करा, बिकॉज आई वॉज टीचिंग ऑलरेडी इन द पास्ट बट इट वॉज पार्ट टाइम, देन आई केम फुल टाइम। जब मैं टीचिंग में आया तो आई सिलेक्टेड दिस सब्जेक्ट बिकॉज मेरा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर था। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा कि आपके पास कैसा होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। सो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर पाओगे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर पाओगे। सो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, डेवलप योर इंटरेस्ट, ये बन जाएगा जब आपका आर्टिकलशिप चलेगा। ठीक है, चलो ओवर टू हार्दिक। यस सर, आपने बिल्कुल सही बोला। और मेरे को ना एक बात ऐसे डिस्कशन करते करते ध्यान में आई कि मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है मूवी का, इट विद ग्रेट पावर्स इट कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है सीएस के पास में ग्रेट पावर्स तो है, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं ना कि मेरे सिग्नेचर से पावरफुल है सीए का सिग्नेचर। और ये हम लोग देख भी सकते हैं ना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में हमारा साइन हो गया तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ सही है, सही है, है ना। हाँ, हम लोग मतलब गवर्नमेंट को ही नोटिस भेजेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमने साइन करके रिप्लाई कर दिया तो बोलेगी हाँ ठीक है सही है। तो मतलब हमारा सिग्नेचर उनको रिलायबिलिटी दिला रहे हैं, तो इतनी पावरफुल हमारी पोस्ट होती है, राइट, सीए की। तो इसलिए मतलब ये कोर्स हम ऐसा सोच के नहीं कर सकते कि हमको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हमारे पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज है और वेरियस करियर ऑप्शन है, राइट। तो बच्चों यस, आप लोगों को इस सेशन से समझ में आया होगा कि सीए कोर्स इज वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, राइट। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ अकाउंटेंसी की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और इस पैनल डिस्कशन को हम इसके साथ यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और ऐसे ही सेशंस, ऐसी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस अगर आप और सुनना चाहते हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो बच्चों आई एम श्योर अब तक आपको समझ गया होगा कि कैसे इन दोनों चैनल्स पे हम हर वो चीज़ कवर करेंगे जो आपको आपके गोल्स के नज़दीक लेके जाएगा, एग्जैक्टली वन स्टेप क्लोजर टू योर गोल्स विद स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, डिटेल्ड गाइडलाइंस, स्टडी प्लान, मोटिवेशन, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड ऑन दीज टू चैनल्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इट्स द चैनल का नाम ही 360, चैनल के नाम में ही 360 है। इट्स गोइंग टू हैव द ओवरऑल कवरेज राइट फ्रॉम कंप्लीटिंग द सिलेबस टू योर लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट मिनट रिविजन्स, एवरीथिंग। आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विद दीज टू चैनल्स। दीज टू चैनल्स आर गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, फॉर ऑल योर डिमांड्स, एंड हर वो चीज जो आपको सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बना देगी वो इन दो चैनल्स पे कवर होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन बोथ दीज चैनल्स, लाइक करके रखो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड I'm sure, I promise you, we are coming up with many, many, many interesting videos in the future. Ta-ta!